तो भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतपंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणा बतारव, संसार सारव खुद के त्रहारव। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव मेधु च सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम्, त्वमेव त्वमेव सर्वममेवति, त्वमेव सर्वमम देव देव, त्वमेव सर्वमम देव देव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वांके में हरि लाल की भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। गौ हत्या बंद हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। वेद माता गायत्री की जय हो। सद
भगवान के जय हो, अपने अपने माता पिता के जय हो, राधा रानी सरकार के जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तनुतित विनिंदित पिताम्बरधारी नंद नंदन ब्रज के राजा परम कृपालु परमात्मा प्रभु श्री बाल कृष्ण की असीम अनुकंपा से ठाकुर जी की कृपा से और ये जो भागवत महापुराण का आयोजन हो रहा है, कथा प्रांगण में जितने भी श्रोताजन वैष्णव भक्तवृंद वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी मातृशक्ति विराजमान है एवं संत वाणी टीवी के माध्यम से जितने भी श्रोताजन इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप सभी के पावन हृदय में विराजमान गोविंद की अलौकिक छवि के दर्शन करते हुए मैं व्यास पीठ से आप सभी को बारंबार प्रणाम करता हूं। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम भागवत जी के द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे, तो कथा में प्रवेश करने से पूर्व आइए अपने मन और वचन को पवित्र करने के लिए लेते हैं श्री राधा रानी के चरणों का आश्रय। आइए राधे राम का संकीर्तन करते हुए चलेंगे श्री राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गाइए भाव से राधे गोपाल राधे, गोविंद 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 राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे दोनों हाथ खोल करके तालियों की सेवा करते हैं, बड़े भाव के साथ में गाएंगे श्री हरि।
राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 राधे गोपाल राधे जय जय राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। आज प्रेमी जनों हम भागवत जी के द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। कल की कथा में आप सभी ने भागवत जी के महात्म को श्रवण किया। देखिए कहा है कि जब तक हम किसी को जान नहीं लेते तब तक उसके प्रति हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं होता। जिस कथा को आप सुन रहे हैं एक बार पहले ये जानेंगे कि ये श्रीमद् भागवत की कथा है क्या। ध्यान देना, ये भागवत की कथा कोई साधारण ग्रंथ या पोथी नहीं है। ये स्वयं
श्रीनाथ जी का दूसरा स्वरूप है, वांग्मय स्वरूप है। जैसे श्रीनाथ जी के मुख्य द्वादश अंग हैं, ऐसे ही भागवत महापुराण के मुख्य द्वादश स्कंद हैं। द्वादश स्कंद रूपी ये भागवत महापुराण स्वयं ठाकुर जी का ही दूसरा स्वरूप है। इस कथा को किसी साधारण कवि ने नहीं गाया, किसी साधारण लेखक ने नहीं लिखा है, स्वयं श्री नारायण के मुख से निकला हुआ ग्रंथ है ये। ये जो भागवत की कथा है, इसको पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। पंचम वेद निराला है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों का ये समुच्चय है। भागवत को प्रेमी जनों भागीरथ ही कहा है। ये गंगा है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में गोता लगाना चाहिए। भागवत की कथा हमारे जीवन को मंगलमय बनाती है, मृत्यु के भय से मुक्त कराने वाली ये कथा है। देखिए, हमारे जो जीवन में, समाज में आज सबसे ज्यादा जो चर्चा होती है हमारे ग्रंथों की, इनमें हमारे प्रमुख पांच ग्रंथ हैं जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है। एक है श्रीमद् भागवत महापुराण, दूसरा है प्रेमीजनों महाभारत, तीसरा है राम कथा, चौथा है शिव महापुराण और पांचवा ग्रंथ है प्रेमीजनों गीता। इनकी विशेष रूप से चर्चा हमारे मध्य में रहती है। और ये पांचों ग्रंथ अपना बड़ा विशेष महत्व रखते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, ये मृत्यु प्रधान ग्रंथ है। मृत्यु को किस प्रकार से मंगलमय बनाया जाए, ये भागवत कथा सिखाती है। राजा परीक्षित की मृत्यु को मंगलमय कर दिया। महाभारत प्रेमीजनों संसार प्रधान ग्रंथ है। संसार में किस प्रकार से रहा जाए, ये महाभारत सिखाता है। राम कथा जीवन प्रधान ग्रंथ है। किस प्रकार से मर्यादाओं का पालन करते हुए और जीवन को मंगलमय बनाया जाए, क्योंकि जब तक प्रेमीजनों प्रभु श्री राम अयोध्या में रहे, तब तक उनकी पहचान केवल और केवल दशरथ नंदन राम के रूप में थी। लेकिन जब अयोध्या से निकल करके वन में भ्रमण किया है, जंगली संघर्ष को सहा है, तब इनकी जो पहचान बनी है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में बनी है। राम कथा जीवन प्रधान ग्रंथ है। गीता कर्म प्रधान ग्रंथ है। कर्म किस प्रकार से सुंदर बनाए जाएं और अपने कर्म के माध्यम से अपने जीवन को मंगलमय बनाया जाए, ये हमें गीता सिखाती है। और शिव पुराण प्रेमीजनों परिवार प्रधान ग्रंथ है। किस प्रकार से विपरीत परिस्थितियों में भी परिवार को संभाल करके चला जाए, ये शिव पुराण सिखाता है। ध्यान देना, सात बार होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, सात बार हैं। लेकिन आज हम आपको एक आठवें बार के रूप में बताएंगे। और प्रेमीजनों, जिसने अपने इस आठवें बार को संभाल लिया, उसके सातों वार मंगल हैं। और ये आठवां वार कोई और नहीं, ये आठवां वार है परिवार। जो आज प्रेमीजनों ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं कि छोटी छोटी बातों पर प्रेमीजनों परिवार टूट जाते हैं। परिवार तोड़ना या परिवार से अलग होना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सरल है।
असली साधना तो वो है जो परिवार को संभाल करके रखा जाए या परिवार को संभाल करके चला जाए। ये ज्ञान हमें शिव पुराण सिखाता है। परिवार प्रधान ग्रंथ है शिव पुराण। इन पांच ग्रंथों की बड़ी विशेष रूप से चर्चा होती है। आज हम भागवत जी की इस मंगलमय कथा में प्रवेश करेंगे। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हुए चलेंगे। देखिए भागवत जी में तीन बार मंगलाचरण है। मंगलाचरण यानी मंगलमय आचरण वाले श्री हरि का ध्यान करना ही मंगलाचरण है। भागवत जी में तीन बार मंगलाचरण है। आरंभ में श्री वेदव्यास जी ने मंगलाचरण किया है। भागवत जी के मध्य में श्री शुक्राचार्य जी ने मंगलाचरण किया है और भागवत जी के अंत में श्री सूत जी ने मंगलाचरण किया है। ये तीन बार का मंगलाचरण हमें और आपको यह संदेश देता है कि जिस प्रकार से भागवत जी के अंदर तीन बार मंगलाचरण है, हमें अपने जीवन में भी तीन बार मंगलाचरण करना चाहिए, मंगलमय आचरण करना चाहिए। बाल्यावस्था में ऐसा प्रयास करें कि अपने बच्चों को मंगलमय आचरण करने की शिक्षा प्रदान करें। युवावस्था में मंगलमय आचरण करें और अंत में जब आप वृद्धावस्था में प्रवेश करें तो मंगलमय आचरण करते हुए अपने जीवन को श्री हरि के चरणों में समर्पित करें। जिस प्रकार से जीवन में तीन बार का मंगलाचरण है, हमें दिन में भी प्रत्येक दिन तीन बार मंगलाचरण करना चाहिए। प्रातः काल जब उठें उस समय श्री हरि को याद करें। दोपहर को भोजन करने के लिए बैठें तब प्रभु को याद करें और रात्रि में सोते समय गोविंद का स्मरण करके सोएं। तीन बार अपने जीवन में मंगलाचरण करें। आज जब मंगलाचरण करते हैं वेदव्यास जी, ध्यान देना, भागवत जी का आरंभ ज शब्द से हुआ है, जकार से। जकार को दग्धाक्षर माना है। जैसे किसी ग्रंथ का शुभारंभ नहीं है, लेकिन भागवत जी का शुभारंभ जकार से किया है। क्योंकि जब वेदव्यास जी ने इस भागवत जी की रचना करी है तब प्रेमीजनों उनका हृदय बड़ा दग्ध है, बड़ा विदीर्ण है। उस समय उन्होंने इस भागवत जी की रचना करी तो जकार से करी है। गोपियों ने भी जब गोपी गीत गाया है तो गोपी गीत का प्रारंभ भी जकार से है। जयति ते धिकम जन्मना व्रज, जकार से है। क्योंकि गोपियां भी उस समय कृष्ण के वियोग में दग्ध हैं, दुखी हैं, तड़प रही हैं और तब इनके हृदय से ये जकार निकला है, ज शब्द निकला। आज भागवत जी का प्रारंभ करते हुए मंगलाचरण करते हुए वेदव्यास जी लिखते हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभेज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय यादि कवये मुह्यन्ते यत् सूरय तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्रत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम् सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ेंगे, ध्यान देना, देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई कीमती वस्तु देता है तो लेने वाले को सावधान कर देता है। बड़ी कीमती वस्तु है, सावधान,
रहिएगा, सावधानी पूर्वक रखिएगा। ऐसे ही वक्ता जब कोई विशेष बात श्रोताओं से कहता है तो श्रोताओं को सावधान कर देता है कि ध्यान से सुनिए। भागवत जी आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ेंगे तो उस मंगलाचरण में किसी न किसी देवता का नाम लेकर के मंगलाचरण है। राम कथा पढ़ेंगे तो राम जी का मंगलाचरण है, शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव जी का मंगलाचरण है, देवी भागवत पढ़ेंगे तो देवी का मंगलाचरण है। लेकिन भागवत की कथा में किसी भी देवी देवता का नाम लेकर के मंगलाचरण नहीं किया। यहां लिखते हैं कि जन्माद्यस्य यतोन्वयाद तरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वरा। जो जन्म पालन और मृत्यु तीनों का हेतु है, जो संपूर्ण संसार की रचना करता है, इसका पालन करता है और अंत में इसका संहार कर देता है, यानी अपने आप में विलीन कर देता है। ये संपूर्ण संसार त्रिसर्ग मिथ्या होते हुए भी, एक झूठे सपने की भांति होते हुए भी, उसकी माया के कारण, उसकी माया के बंधन में बंधे होने के कारण हमें सत्य प्रतीत होता है। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम ध्यान करते हैं, वंदन करते हैं, सत्य का वंदन किया है, सत्य का मंगलाचरण किया है। अब इस सत्य को आप चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे ईश्वर कहो, देवी कहो, शिव कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सत्य प्रेमी जनों एक है और यही परम तत्व है। जैसे पानी जो होता है, पानी को आप चाहे पानी कहो, जल कहो, नीर कहो, वाटर कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तत्व एक है जो आपके जीवन को चलाता है। उसे आप किसी भी नाम से पुकारें, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तत्व एक है। यहां पर बताया है कि ये जो भागवत की कथा जो है वो एक सार्वजनिक प्याऊ की तरह है। जैसे एक सार्वजनिक प्याऊ होता है ना, आपने देखा होगा जगह जगह पर जो पानी पीने के प्याऊ लगे होते हैं, किसी भी प्याऊ पर आपने ये लिखा नहीं देखा होगा कि इस प्याऊ पर केवल हिंदुओं को पानी पिलाया जाता है या केवल सिखों को पानी पिलाया जाता है, मुस्लिम या ईसाइयों को पानी नहीं पिलाया जाता। किसी भी प्याऊ पर ऐसा लिखा नहीं मिलेगा, क्योंकि प्याऊ सार्वजनिक होता है, जो आवे सबको पानी पिलाया जावे। ऐसे ही ये जो भागवत की कथा है ये सार्वजनिक प्याऊ की तरह है, जो आवे सबको पानी पिलाया जाता है, सबको ये भागवत रूपी अमृत पान कराया जाता है, सब सुनने के लिए आवे, सबको आमंत्रित किया है, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। जिस प्रकार सब सार्वजनिक प्याऊ पर पानी पीने के लिए जाते हैं, उसी प्रकार प्रेमी जनों इस भागवत रूपी अमृत को पीने के लिए आई। आज जब मंगलाचरण किया है, यहां पर नैम सारण तीर्थ में 88,000 ऋषि विराजमान हैं, सूत जी महाराज इनके मध्य में विद्यमान हैं। अब सोनकाद ऋषियों के मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि जब इतना विद्वान पुरुष हमारे मध्य आया है तो क्यों ना अपने मन की संपूर्ण शंकाओं का समाधान कर लिया जाए। तो आज सोनकाद ऋषियों ने यहां पर सूत जी से 6 प्रश्न किए। देखिए, संपूर्ण शास्त्रों का सार है श्रीमद् भागवत महापुराण, और भागवत जी का सार इन 6 प्रश्नों में है। यहां पर 6 प्रश्न किए। सोनकाद ऋषि कहते हैं कि गुरुदेव, हमारा सबसे पहला प्रश्न ये है कि संसार में मानव के लिए वास्तव में कर्तव्य रूपी धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है। क्योंकि कोई कहता है परिक्रमा लगाने का नाम धर्म है, कोई कहता है माला जाप करने का नाम धर्म है,
या लाखों करोड़ों की संपत्ति दान कर देने का नाम धर्म है, ये धर्म है क्या? धर्म की जो वास्तविक परिभाषा है वो हमें बताइए। ये हमारा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो बड़ी विडंबना उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि कोई तो हमसे कहते हैं कि राम जी की पूजा करो, कोई कहते हैं कृष्ण की पूजा करो, कोई कहते हैं देवी की पूजा करो, कोई कहते हैं शिव की पूजा करो, कोई कहते हैं हनुमान जी की पूजा करो। और अब तो कलयुग में ये स्थिति है कि कलयुग में प्रेमीजनों न जाने कहां कहां पर नए नए देवी देवता भी प्रकट हो जाते हैं, जिनका शास्त्रों में वर्णन नहीं है, ऐसे देवताओं का और प्रेमीजनों इस प्रकार से मार्केटिंग की जाती है, जैसे टीवी सीरियल इत्यादि बना करके, जिससे कि लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि अब हम किसको पूजें किसको न पूजें। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि मंदिर में जाएं तो मंदिर में जाकर के हम किसकी पूजा करें और किसकी पूजा न करें, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न हमारा ये है कि वेद में भगवान का नाम है अजन्मा, जब वेद में भगवान का नाम अजन्मा है तो ये देव की वसुदेव का पुत्र कृष्ण कैसे बना, दशरथ नंदन राम कैसे बने। हमारा अगला प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं भगवान के दो अवतार हैं, कोई कोई कहते हैं भगवान के 10 अवतार हैं, कोई कोई कहते हैं भगवान के 24 अवतार हैं, और कोई कोई तो कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि भी अनंत हैं कथाएं भी अनंत हैं। मुख्यतः भगवान के कितने अवतार हैं, इनका वर्णन कीजिए। हमारा पांचवा प्रश्न है कि भगवान के अवतार संबंधी कथाएं आप हमें सुनाइए। और छठवा प्रश्न ये है कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग रूप धारण करके प्रकट होता हूं। अब भगवान तो धर्म की स्थापना करके चले गए, अब ये धर्म तो बेचारा अकेला पड़ गया होगा, तो ये धर्म किसकी शरण में गया, ये हमारा छठवां प्रश्न है। इन छह प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों तुमने ये जो प्रश्न किए हैं समाज कल्याण के प्रश्न हैं, बड़े उत्तम प्रश्न हैं। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व मैं अपने गुरुदेव के चरणों में ध्यान कर लूं। कहने लगे कि आपके गुरुदेव कौन हैं? सूत जी कहते हैं मेरे गुरु हैं श्री सुखदेव जी महाराज, जो मातृगर्भ से 12 वर्ष बाद बाहर आए हैं। वो भी जब इनके पिता बारंबार कहते हैं कि बेटा तुम गर्भ से बाहर क्यों नहीं आते, तो सुखदेव जी कहते हैं कि गर्भ से बाहर तो आ जाऊं लेकिन बाहर आते ही मुझे विष्णु की माया घेर लेगी। वेदव्यास जी बोले मैं वचन देता हूं कि तुम्हारे ऊपर विष्णु की माया का कोई प्रभाव नहीं होगा। सुखदेव जी बोले कि अगर इस बात को स्वयं भगवान विष्णु आकर के कहें तब मानू, आज नारायण ने आकर के वचन दिया है कि मेरी माया का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। 12 वर्ष बाद जब सुखदेव जी मातृगर्भ से बाहर आए, शरीर पर एक कॉपीन भी न पहनी, लंगोट भी न पहना और सीधा प्रेमी जनों जंगल की ओर चल दिए। इनके पिता इनके पीछे पीछे पुत्र 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 कहकर के विरह से आतुर होकर के जा रहे हैं, लेकिन माया का प्रभाव नहीं है सुखदेव जी के ऊपर, आज सीधे चलते चले जा रहे हैं। ऐसे परम हंस सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया है, बोले सुखदेव महाराज की जय हो। कहते हैं कि आपने 6 प्रश्न किए थे, अब मैं आपके इन 6 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। बोले तुम्हारा सबसे पहला प्रश्न ये था कि मानव के लिए वास्तव में कर्तव्य रूपी धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है। तो देखिए मानव के लिए जो वास्तव में कर्तव्य रूपी धर्म है, यहां धर्म की परिभाषा बताई है कि धारयतीति धर्म, जो देश
काल और परिस्थिति के अनुसार धारण करने योग्य है वही धर्म है। धर्म की कोई एक सटीक परिभाषा नहीं है कि आपसे ये कह दिया जाए कि केवल ये ही धर्म है। कलयुग में प्रेमीजनों धर्म लचीला हो गया है। देश काल और परिस्थिति के अनुसार धर्म की परिभाषा बदल जाती है। जैसे आपने सुना होगा, लिखा हुआ है कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। ये बात ठीक है, लेकिन ये सूत्र हर जगह लागू नहीं होता। आप यदि सूत्र को प्रेमीजनों और सीमा पर खड़े हुए एक सैनिक से जाकर के कहें तो उसके ऊपर ये सूत्र लागू नहीं होगा कि अहिंसा परमो धर्म। उसका धर्म तो शत्रु की हिंसा करना है। समय समय पर धर्म की परिभाषा बदल जाती है। छोटे भाई का धर्म है कि बड़े भाई की आज्ञा का पालन करे, बड़े भाई की सेवा करे। लेकिन विचार करना कि बड़ा भाई मदरा पान करके अगर आपके पिताजी को कष्ट पहुंचाए या उनके साथ में बदतमीजी करे तो उस समय छोटे भाई का क्या धर्म है? बड़े भाई की सेवा करे या पिता की सेवा करे? समय के अनुसार धर्म की परिभाषा बदल जाती है। एक ही कार्य दो अलग अलग स्थितियों में किया जाए तो एक जगह पर वो धर्म होता है और दूसरी जगह पर वही कार्य अधर्म होता है। जैसे कोई स्त्री कोई कन्या मार्ग में जा रही है और कोई पुरुष आकर के पीछे से उसकी चोटी को पकड़ करके खींचे तो आप सभी जानते हैं कि ये अधर्म है। लेकिन यही कन्या जल में बहकर के प्रवाहित होकर के जा रही है और यही पुरुष आकर के इसकी चोटी को पकड़ करके खींचे तो उस समय ये धर्म है। पुरुष वही है, कन्या वही है, क्रिया वही है, लेकिन दोनों अलग अलग स्थिति में ये जब क्रिया हुई तो एक जगह पर ये धर्म है और दूसरी जगह पर ये अधर्म है। धर्म की परिभाषा बदल जाती है, धर्म लचीला है। हमारे जीवन में कर्तव्य रूपी हमारे मुख्य आठ धर्म बताए हैं, ध्यान देना, बड़ी विशेष बात। सबसे पहला धर्म आता है प्रेमीजनों मातृ पितृ गुरु धर्म। माता पिता और गुरु के लिए हमारा धर्म, क्योंकि जब हम संसार में आते हैं, जन्म लेते हैं, तो सबसे पहला हमारा जो रिश्ता बनता है वो बनता है माता पिता। अच्छा, माता पिता और गुरु, इन तीनों को एक ही श्रेणी में रखा है, तीनों को बिल्कुल भी अलग नहीं बताया। पता है क्यों? क्योंकि माता पिता ने हमें जन्म दिया लेकिन गुरु ने हमें जीना सिखाया। जीवन मिल गया, जीना नहीं आया तो बेकार है। आप कोई वस्तु खरीद करके लाए, मोबाइल खरीद करके लाए, चलाना नहीं आता तो बेकार है। गाड़ी खरीद करके लाए, चलाना नहीं आता, बेकार है। जीवन मिल गया, इसका सदुपयोग करना नहीं आता, जीवन जीना नहीं आया तो प्रेमीजनों एक पशु की भांति यदि जीवन निकाला। खादते मोदते सुनकह सूकर खग, खाते पीते मौज करते ये काम तो कुत्ते सुअर और गधे भी करते। अगर इन्हीं कामों में जीवन निकाल दिया तो विचार करना फिर हम में और उनमें क्या विशेषता रह गई। तो ये जीवन जीना हमें हमारे गुरु सिखाते हैं। इन तीनों को एक ही श्रेणी में रखा है। हमारा पहला धर्म है माता पिता और गुरु की सेवा करना। माता पिता ने हमें जीवन दिया, जन्म दिया, माता पिता ने हमें जो बचपन में दिया, माता पिता का बुढ़ापा ही उनका बचपन है। जो कुछ उन्होंने हमारे बचपन में दिया, क्या हम उनके बुढ़ापे में वो सारी व्यवस्थाएं उनको रिटर्न कर पाते हैं, उनको वापस दे पाते हैं? माता पिता ने हमें भोजन दिया, बीमार हुए दवाई दी, आप के मलमूत्र तक साफ किए, आपकी सेवा करे, जो जरूरत थी हर वस्तु आपके माता पिता ने आपको और दी है।
अब माता पिता का जब बुढ़ापा आया तो क्या ये सारी व्यवस्थाएं आप उनके बुढ़ापे में उनको वापस दे पाते हैं? यदि नहीं दे पाते, यदि आप अपने जीवन में अपने माता पिता और गुरु की सेवा नहीं कर पाते, तो प्रेमी जनों आप कितने भी घंटे बैठ करके माला जाप करते रहो, कितनी भी तीर्थ यात्रा करते रहो, कितने भी प्रेमी जनों माता रानी के जागरण और भंडारे कराते रहो, कोई फल मिलने वाला नहीं है। ये प्रथम धर्म है मातृ पितृ गुरु धर्म। बताया है कि जीवते वाक्य करणात मृताः भूरि भोजना गयायाम पिंड दानश्च त्रिभि पुत्रस्य पुत्रता। जीवते वाक्य करना, जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक आप उनके वचन का पालन करें, आज्ञा का पालन करें। जीवते वाक्य करना मृताः भूरि भोजना, और जब प्रेमी जनों वो देह त्याग देवे तब उनके श्राद्ध कर्म इत्यादि हैं उनको करें। गयायाम पिंड दानश्च, गया में जाकर के पिंडदान करें। त्रिभि पुत्रस्य पुत्रता, ये तीन पुत्र के धर्म बताएंगे। सबसे पहला धर्म है माता पिता और गुरु की सेवा का, ये हमारा सर्वप्रथम धर्म है। दूसरा जो हमारा धर्म आता है, जैसे ही प्रेमी जनों हमने जन्म लिया, जीवन में थोड़ा आगे बढ़े, तो हमारा दूसरा धर्म बनता है, दूसरा जो रिश्ता बना वो रिश्ता बना है भाई बहन से। ये प्रेमी जनों खून का रिश्ता है। इस रिश्ते में प्रकृति ने कोई अंतर करके नहीं भेजा है। ये हमारा दूसरा धर्म है, भ्रातृ धर्म, इसका पालन करें। अपनी तरफ से अपने भाई बहन के प्रति अपने विचारों को सकारात्मक रखें, श्रेष्ठ रखें। आपकी सकारात्मकता आपको बल प्रदान करेगी। कभी मन में ऐसा भाव न लेकर के आए कि धन के लालच में या पुत्रों के लिए संपत्ति एकत्रित करने के लालच में भाई बहन के प्रति और गद्दारी का भाव न रखें, इनके साथ में दगा न करें। ये आपका दूसरा धर्म है। आप अपने विचार सकारात्मक रखें, मैं अपनी जगह पर ठीक हूं, तेरी तू जाने। क्योंकि ये प्रेमी जनों जो खून का रिश्ता होता है ना, इसमें प्रकृति ने कोई अंतर करके नहीं भेजा है। कोई कितना भी अलग होने का प्रयास कर ले इस रिश्ते में, लेकिन जब भी इस रिश्ते में कोई समस्या आती है तो ये जो खून होता है ना प्रेमी जनों, ये समय आने पर जोर मार ही देता है, इकट्ठा हो ही जाता है। ये वास्तव में अलग नहीं हो सकता। एक और विशेष बात जीवन में बड़े काम आने वाली बात है, कभी भी आपके सामने कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि दो खून के रिश्तों में विरोधाभास हो रहा हो, तो उनके बीच में जाकर के और कभी भी आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए। उनके बीच में जाकर के षड्यंत्र नहीं करने चाहिए, पक्ष विपक्ष नहीं करना चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि समय आने पर ये खून तो एकत्रित हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन बुराई के पात्र आप बन जाओगे। ये जीवन में बड़ा काम आने वाला सूत्र है। ये हमारा दूसरा धर्म है। अच्छा, जब हम इस संसार में जीवन में और आगे बढ़ते हैं तो हमारा तीसरा जो रिश्ता बनता है, तीसरा धर्म है प्रेमी जनों, मैत्री धर्म, मित्र धर्म। संसार की ज्यादातर व्यवस्थाएं इस मैत्री धर्म के ऊपर टिकी हुई हैं। ज्यादातर व्यवस्थाएं आपने देखा होगा, जो छोटे छोटे बालक होते हैं बोलना भी नहीं जानते तब भी मित्र बना लेते हैं, क्योंकि कोई न कोई कनेक्टिविटी है जो इनको एक दूसरे के प्रति कनेक्ट करती है, एक दूसरे से जोड़ती है। कोई न कोई इस विश्व में, इस संसार में ऐसी कनेक्टिविटी है। ये मैत्री धर्म है, मैत्री धर्म का पालन करें। देखिए, या तो मित्रता करें नहीं,
और अगर मित्रता कर लेवे तो उसको निभावे, इस मैत्री धर्म का पालन करें। फिर ये भाव मन में नहीं आवे कि तेरे अंदर ये कमी है इसलिए मैं मित्रता तोड़ रहा हूँ, तेरे अंदर ये कमी है इसलिए मित्रता तोड़ रहा हूँ, फिर ये नहीं होना चाहिए। मित्रता हो गई तो फिर उसका पालन करें, निभावे। अच्छा, आपको पता है मित्रता क्यों टूटती है? बता सकते हैं आप मित्रता कब टूटती है? नहीं पता कब टूटती है? स्वार्थ के कारण। जब मित्रता में स्वार्थ आ जाएगा तब टूट जाएगी। देखिए, आपको वास्तविकता बतावे, मित्रता तो कभी टूटती ही नहीं है, और जो टूट जाती है वो मित्रता होती ही नहीं है, वो तो स्वार्थ बस चलाया जाने वाला साधारण रिश्ता होता है। वो तो स्वार्थ बस वैसे ही आपसी संबंध चलाया जा रहा था, मित्रता थी नहीं। क्योंकि जहां वास्तविक मित्रता होती है उसमें स्वार्थ होता ही नहीं। मित्रता यदि करें तो किसके जैसी करें? मित्रता यदि करें प्रेमी जनों तो मित्रता करें कर्ण के जैसे। मित्रता यदि करें तो मित्रता करें कृष्ण के जैसे। कर्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, सूर्य पुत्र है, दानवीर है, बहुत बड़ा धर्मात्मा है। जानता है कि दुर्योधन अधर्मी है, पापी है, लेकिन कर्ण एक ही बात कहता है कि तू कितना गलत है कितना सही है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुर्योधन ने जब भी अधर्म किया कर्ण ने रोका है, टोका है कि तू गलत कर रहा है, मत कर ऐसे। लेकिन जब नहीं माना तो साथ छोड़ के नहीं भागा। तू कितना गलत है कितना सही है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तेरा मित्र हूँ, तेरे साथ खड़ा हूँ और हर परिस्थिति में तेरे साथ खड़ा रहूंगा। और यही विचार प्रेमी जनों, आज कर्ण ने इसी विचार के माध्यम से वीर गति को पाया है दुर्योधन के लिए। मित्रता करें तो कर्ण के जैसे, मित्रता यदि करें तो कृष्ण के जैसे करें। कृष्ण ने मित्रता कर ली है अर्जुन से। अब गोविंद जानते हैं कि दुर्योधन की जो सेना है बड़ी विशाल है, एक से एक बड़े वीर हैं इसके साथ में। अर्जुन की छोटी सेना है, वीर भी कम है, लेकिन कृष्ण एक ही बात कहते हैं कि हे अर्जुन, भले ही तेरे साथ कोई खड़ा हो न खड़ा हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तेरा मित्र हूं, तेरे साथ खड़ा हूं और हर परिस्थिति में तेरे साथ खड़ा रहा, चाहे तेरा कोई साथ देवे या न दे। और यही प्रेमी जनों विश्वास आज अर्जुन को आत्मबल प्रदान कराता है, और इसी आत्मबल के कारण आज अर्जुन विजयश्री को प्राप्त होते हैं। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, उससे पूर्व दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए हैं गोविंद के पास। दोनों ने जाकर के कन्हैया से कहा कि कन्हैया आप हमारी ओर से युद्ध करें। और गोविंद कहने लगे कि देख, तुम दोनों मेरे पास आए हो एक साथ, दोनों में से किसी से मना नहीं कर सकता। एक तरफ तो मेरी संपूर्ण नारायणी सेना रहेगी जो पूरे बल के साथ में युद्ध करेगी, और एक तरफ मैं अकेला रहूंगा जो शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मांगो दुर्योधन, क्या मांगते हो? अब दुर्योधन कहने लगा कि कन्हैया के पास में एक ही तो हथियार है सुदर्शन, वही शक्ति है, अगर उसे चलावेंगे नहीं तो फिर करूंगा क्या मैं इनका? सारथी तो मेरे पास बहुत है। दुर्योधन कहने लगा कि कन्हैया यदि तुम देना ही चाहते हो तो मुझे तो अपनी संपूर्ण नारायणी सेना को दे दो। गोविंद कहने लगे ठीक है, नारायणी सेना दे दी। अब अर्जुन भी बड़े प्रसन्न है कि गोविंद में लगे। अब जब दोनों प्रेमी जनों आ रहे थे तो आज दुर्योधन अर्जुन का मजाक बनाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, कि हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा तू उदास, माखन माखन में ले गया छाछ है तेरे पास।
हे अर्जुन अब तू उदास रहेगा क्योंकि तेरी हार निश्चित है। सबरो माखन तो मैं ले आयो, सबरी नारायणी सेना मैंने ले ली, तेरे पास में तो केवल छाछ बचो है। आज अर्जुन भी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि दुर्योधन तेरी बात ठीक है लेकिन शायद तू जानता नहीं है। अर्जुन बोले कि जीत निश्चित है मेरी, फिर क्यों रहूंगा मैं उदास। क्यों माना कि माखन माखन तू ले गया पर माखन चोर है मेरे पास। ये बात ठीक है कि तू सबरो माखन चुराए के ले गयो लेकिन तो कू ना पतो कि माखन चोर को मेरे पास छोड़ गयो, वह सबरो माखन चुरा के ले आ गया। गोविंद कहते हैं कि हे अर्जुन भले ही तेरे साथ कोई खड़ा हो न खड़ा हो मैं तेरा मित्र हूं, तेरे साथ खड़ा हूं और हर परिस्थिति में खड़ा रहूं। ये मैत्री धर्म है, इसका पालन करें। यहां से आगे अगला जो धर्म आता है, इस संसार में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगला जो धर्म है वो है प्रेमी जनों विश्व धर्म। जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जिस सनातन धर्म में हमने जन्म लिया है, इसके नियमों का पालन करें, सनातन की सेवा करें, गौ सेवा करें, समाज के नियमों का पालन करें, देश के जो नियम है, संविधान है, उसका पालन करें, नियम न तोड़ें। अच्छा व्यक्ति पता है नियम कानून कब तोड़ता है? मजबूरी कोई ना हो, नियम तोड़वे की समाज के नियम तोड़ रहा है, मजबूरी कुछ नहीं होती, केवल और केवल ये दिखाने के लिए कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है कोई एकाध प्रश्न में मजबूरी हो किसी की, लाखों में एकाध व्यक्ति की, वो अलग विषय है, लेकिन ज्यादातर व्यक्ति नियम केवल इसलिए तोड़ता है कि वो ये दिखाना चाहता है कि मैं नियम तोड़ रहा हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। नियमों का पालन करें, विश्व धर्म का पालन करें। इसके बाद जो अगला धर्म आता है, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगला धर्म आता है स्वधर्म। कहीं समाज के सांसारिक धर्मों का पालन करते हुए हम ये न भूल जावे कि हमारा अपने लिए भी कोई धर्म है। ये मानव जीवन मिला है इसका भी कोई धर्म है, कैसे गोविंद को पाया जाए। क्योंकि हम संसार के नियमों का पालन करते रहे, संसार के रिश्ते नाते तो प्रेमीजन एक मिट्टी की मूर्ति की भांति है, लेकिन आत्मा का जो वास्तविक संबंधी है वो परमात्मा है। अब इस संसार के नियमों का पालन करते हुए हम ये न भूल जाएं कि आत्मा का संबंधी परमात्मा है, उससे भी हमें जुड़ना है, उसको भी पाना है, अपना भी कल्याण करना है, ये स्वधर्म है। इसके बाद अगला जो धर्म आता है वो आता है प्रेमीजनों कर्म धर्म। इस संसार में हम आए हैं कर्म करने के लिए। ठाकुर जी ने व्यक्ति का कल बताया था ना, तीन प्रकार के परिचय हैं। स्वरूप परिचय, आपका स्वरूप कैसा है, दूसरा स्वभाव परिचय, आपका स्वभाव क्या है, और तीसरा जो परिचय है प्रेमीजनों वो है क्रिया परिचय, कर्म परिचय, जो सबसे ज्यादा अहम है। आप इस संसार में आए हैं, ऐसा क्या कर्म करके जा रहे हैं जिससे आपका परिचय और दूसरों को दिया जाए, अच्छे कर्म करके जाए। आपको ठाकुर जी ने जो कर्म दिया है, कर्म के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए। जिस कर्म को देखिए, जो व्यक्ति अपने कर्म में ईमानदारी नहीं रखता, ठीक है कलयुग का प्रभाव है, हर कर्म में चाहे वो व्यापार हो, बिजनेस हो, उसमें यदि थोड़ा बहुत झूठ का भी सहारा लिया जाता है तो कोई दोष नहीं है, आटे में नमक खाया जाए कोई बात नहीं है, लेकिन जो 100% बुरे कर्म ही कर रहे हैं या कर्मों में इतने
इतनी मिलावट कर रहे हैं, कोई छोटा बच्चा अबोध बालक जानता नहीं है। आपका दूध का धंधा है, दूध बेचते हैं। कोई छोटा बालक आपके पास दूध लेने के लिए आया, अब वो तो जानता नहीं है कि दूध कैसा है। वो तो देख लिया कि सफेद रंग का जो लिक्विड पदार्थ है वो दूध है। वो दूध लेने के लिए आया और आप क्या कह रहे हैं कि जो आक होता है ना, आकड़ा कौआ, उसका दूध निकालें और उसको गाय का दूध बता करके दे दें, वो तो लेकर के चला जाएगा, पी लेगा उसको। आप सिंथेटिक दूध बना करके केमिकल से बना करके दे देंगे, उसे पी लेगा क्योंकि वो नहीं जानता। लेकिन इस प्रकार ये केवल दूध का ही विषय नहीं है, जीवन में जिसको जो कर्म मिला है उस कर्म से संबंधित। यदि इस प्रकार के कर्म करते हैं तो एक तो प्रेमी जनों, ऐसा कर्म करने वाला जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता, ये बिल्कुल सत्य बात है। कितनी भी कमाई कर ले वे जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता, सुख नहीं आएगा जीवन में। धन कमाना अलग विषय है और प्रसन्न रहना, सुखी रहना एक अलग विषय है। तो कर्म के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए। कर्म ऐसे करें 100 वर्ष तक जिंदा रहने के लिए, ये जरूरी नहीं कि आप 100 वर्ष तक जिए। अपने जीवन में अल्प समय में ऐसे कर्म कर जाएं कि लोग आपको सैकड़ों वर्ष तक याद रखें। हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए कि हमारे कर्मों के कारण दूसरों के जीवन में हमारी वैल्यू बढ़े। अगर हमारे ऐसे कर्म हैं तो ये संसारी हमें कभी मरने नहीं देंगे। संसारी भगवान, फिर हम प्रार्थना नहीं करेंगे कि भगवान मेरी रक्षा करो। हमारे कर्मों से दूसरों का हित होता है, दूसरों के जीवन में हमारी वैल्यू है, तो ये संसारी फिर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु इसकी रक्षा करना। कर्म ऐसे करें। यहां से आगे अगला जो धर्म आता है, सातवां धर्म, ये है प्रेमी जनों दाम्पत्य जीवन का धर्म। हमने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए तो पति पत्नी का भी आपस में कोई धर्म है। ये बड़ा पावन रिश्ता है। पति पत्नी का जो धर्म है इसका पालन करें। देखिए, स्त्री और पुरुष जो होते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों का जो स्वभाव है, दोनों की जो प्रकृति है वो अलग है, एक जैसी नहीं है। दोनों की प्रकृति में बड़ा अंतर है। अगर कोई पुरुष चाहे कि स्त्री 100% मेरे कहे अनुसार चले, या कोई स्त्री चाहे कि ये पुरुष मेरे अनुसार ही चले, तो ऐसा नहीं हो सकता। दोनों को सामंजस्य बिठाना पड़ता है, क्योंकि दोनों की प्रकृति में अंतर है। पुरुष की होती है प्रेमी जनों सूर्य प्रकृति, और स्त्री की होती है चंद्र प्रकृति। सूर्य तेजवान है, चंद्रमा शीतल है। कोई पौधा जो होता है सूर्य से प्रेमी जनों भोजन ग्रहण करता है, और चंद्रमा की चांदनी में उसे अपने अंगों में विकसित करता है। रात्रि में पौधा बढ़ता है, दिन में भोजन ग्रहण करता है। इन दोनों की प्रकृति में बड़ा अंतर है। पुरुष जो होता है, पुरुष प्रेमी जनों विकास का प्रतीक है, और स्त्री पोषण का प्रतीक है। पुरुष त्याग का प्रतीक है, कमा करके लाया और लेकर के साधा सारा धन जो है, सारी कमाई गृहिणी को दे दी, त्याग दिया सर। ये त्याग का प्रतीक है। खुद कमाएगा लेकिन जीवन में खुद उसका भोग ज्यादा नहीं भोगेगा, अपने परिवार के लिए व्यवस्थाएं करेगा। और स्त्री प्रेमी जनों तप प्रतीक है, पुरुष त्याग प्रतीक है, स्त्री तप का प्रतीक है। इन दोनों की जो प्रकृति है इसमें बड़ा अंतर है, इनको सामंजस्यता बिठानी चाहिए। और देखिए, यहां बताया है
कि दाम्पत्यम अनुकूलम चेत किम स्वर्गस्य प्रयोजनम दाम्पत्यम प्रतिकूलम चेत नरकम किम गृहमेव तत्। जिस घर में पति पत्नी के जीवन में पति पत्नी के विचारों में आपस में सामंजस्यता होती है, विचार एक दूसरे से मेल खाते हैं, वो घर प्रेमीजनों और स्वर्ग के समान हो जाता है, चाहे वह लाख गरीब हो। और जहां पर दाम्पत्यम प्रतिकूलम चेत, दंपति आपस में एक दूसरे के प्रतिकूल यानी उल्टा चलते हैं, विचारों में समानताएं नहीं है, वहां पर कितनी भी सुविधाएं हों वो घर प्रेमीजनों नरक के तुल्य बन जाता है। इसलिए इस धर्म का पालन करें। इसके बाद अगला जो धर्म आता है आठवां धर्म, ये है सुत धर्म, पुत्र धर्म, पहले वाले धर्म से मिलता हुआ। अपने पुत्रों के प्रति आपका जो धर्म है उसका पालन करें। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा अच्छे संस्कार दे, क्योंकि ये बच्चे प्रेमीजनों आने वाले युग के आने वाले समय के भविष्य हैं। आप इनको जैसी शिक्षा जैसे संस्कार देंगे वैसा ही प्रेमीजनों इस दुनिया का भविष्य बनता चला जाएगा। अच्छी शिक्षा अच्छे संस्कार दे। बताया है कि जो माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते तो उनके लिए लिखा है कि माता शत्रु पिता वैरी यो न वालो न पाठत न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। वो माँ अपने पुत्र की शत्रु है, वो पिता अपने पुत्र का वैरी है जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार नहीं देते। पता है क्यों? क्योंकि जब ये बालक बड़े होते हैं और बड़े होकर के अच्छी सोसाइटी में अच्छे समाज में प्रेमीजनों प्रवेश करते हैं तो खुद को ऐसा महसूस करते हैं जैसे हंसों के मध्य में कोई बगुला आकर के बैठ गया हो, ऐसी हीन भावना इनके अंदर आती है। इसलिए अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार, अकेली शिक्षा नहीं, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी होने चाहिए। यहाँ पहले ही लिखा हुआ है कि कलयुग में वो स्थिति आ रही है कि मात पिता बालकन बुलावे उदर भरे सोई धर्म सिखावे। माता पिता अपने बच्चों को बुला करके एक ही धर्म सिखाते हैं कि बेटा ये न प्रकार न कैसे भी करके तुझे केवल अपना पेट भरना है, केवल ये धर्म सिखाते हैं, केवल पेट भरना ही जीवन नहीं है, शिक्षा के साथ साथ संस्कार होने चाहिए। इस समाज में धन कमाने की ऐसी होड़ लगी है कि सब धन के पीछे भाग रहे हैं। आज का समय यह है कि जिसके पास में धन अधिक हो गए उसे श्रेष्ठ मान लिया जाता है, लेकिन आगे वो समय आएगा जब धन सबके पास में पर्याप्त होगा। अब जब धन सबके पास में होगा तो ऐसे समय में श्रेष्ठ किसे माना जाएगा? जिसके पास में धन के साथ में संस्कार भी होंगे। श्रेष्ठ संस्कार जिसके पास होंगे वही प्रेमीजनों और श्रेष्ठ माना जाएगा। भारत भूमि जो विश्व गुरु बन सकती है तो केवल अपने संस्कारों के आधार से, लेकिन हम धीरे 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 अपने संस्कारों को ही भूलते चले जा रहे हैं। और जो अपने संस्कारों को भूल गया, जो बच्चे अपनी परंपराओं को संस्कारों को त्याग देते हैं वो प्रेमीजनों नष्ट हो जाते हैं, फिर उनको कोई बचा नहीं सकता। इसलिए संस्कारों की रक्षा करना, इस भारतीय संस्कृति की अपने सनातन धर्म की रक्षा करना हमारा और आपका प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। प्रेम से बोलो राधे। ये हमारे जीवन के मुख्य आठ धर्म हैं और जो व्यक्ति अपने इन मूल आठ धर्मों का पालन करता है वो भले ही अपने जीवन में और माला जाप न कर पाए, तीर्थ यात्रा न कर पाए, प्रेमीजनों सब चलेगा, लेकिन यदि इन धर्मों का पालन नहीं कर पाता है तो कितनी भी माला जाप कर ले, यज्ञ अनुष्ठान जप तप कर ले, वह उसको कोई फल मिलने वाला नहीं है। प्रेम से बोलो राधे। यह
यहां से आगे सूत जी महाराज कहते हैं कि आपने जो दूसरा प्रश्न किया था, दूसरा प्रश्न ये था कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो बड़ी विडंबना उत्पन्न होती है कि हम किसकी पूजा करें और किसकी पूजा ना करें, ये विडंबना उत्पन्न होती है। तो बताया कि एक वृक्ष जो होता है, एक वृक्ष की प्रेमीजनों सैकड़ों डालियां होती हैं, इस पर लाखों फल आते हैं, लाखों पत्ते पुष्प आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस वृक्ष की प्रत्येक डाली में प्रत्येक पुष्प पत्ते फल पर खाद और पानी देते हो। खाद पानी कहाँ देते हैं? जड़ पर, और जड़ में खाद पानी देने से पूरा वृक्ष पुष्ट होता है। ऐसे ही मंदिर में जब हम जाते हैं तो अपने जीवन में किसी एक को इष्ट बनाए, कोई एक इष्ट बनाए। अब ऐसा नहीं कि आपने एक इष्ट बना लिया तो आप दूसरों का अपमान करने लगे, राम जी को इष्ट बना लिया तो भोलेनाथ के सामने सिर ही ना झुका में, ऐसा नहीं। इष्ट एक को बनावे लेकिन सम्मान सबका करें, ऐसा भाव होना चाहिए। मान के चलो, देखिए ये जो इष्ट बनाने का भी बड़ा सुंदर भाव है। इष्ट बनाने का क्या मतलब है, ध्यान देना। इष्ट बनाने का मतलब केवल ये नहीं होता है कि आपने भोले बाबा को इष्ट बना लिया, मंदिर में गए, बढ़िया भोले बाबा के ऊपर जल चढ़ाया, बढ़िया सेवा पूजा करी, भोले बाबा की पंचामृत से मालिश करी और सेवा पूजा करके लौट के चले आए, ये इष्ट बनाने का मतलब नहीं है। इष्ट बनाने का मतलब है कि आपने जिसको इष्ट बनाया है उसके जैसे गुण आपके अंदर आने चाहिए। जब तक उसके जैसे गुण आपके अंदर नहीं आएंगे तब तक प्रेमीजनों इष्ट बनाने का कोई मतलब नहीं। जैसे मान के चलो आपने राम जी को अपने जीवन में इष्ट बनाया, तो राम जी को यदि इष्ट बनाया तो प्रभु श्री राम जैसे मर्यादा जीवन में होनी चाहिए, राम जैसा त्याग जीवन में होना चाहिए। त्याग नहीं है, मर्यादा नहीं है, तो राम को क्या इष्ट बनाया? आपने कृष्ण को इष्ट बनाया, गोविंद को इष्ट बनाया। अच्छा, गोविंद कौन कौन इष्ट बना रखे और हाथ उठाकर बता बना रखा। अब गोविंद को इष्ट बनाया तो गोविंद के जैसे गुण हमारे जीवन में आवे, इनके गुणों को अपना लो। देखिए एक बार कृष्ण के जीवन पर नजर डालें, कितना सुंदर जीवन। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म कहां पर लिया है? मथुरा में, देवकी वसुदेव के यहां पर। लेकिन जन्म लेते ही प्रेमी जनों माता पिता छूट गए, गोकुल आ गए। बचपन में जिस बालक के जन्मदात्री जन्मदाता छूट जावे, पालन किसी दूसरे माता पिता के यहां पर हो, ये बालक का बचपन का कष्ट ही तो है। गोकुल आए, कुछ समय के बाद प्रेमीजनों गोकुल भी छूट गए। गोकुल में बड़े सुंदर सुंदर लीलाएं करी हैं, गोकुल भी छूट गए। और कहां पर आ गए? वृंदावन, गैया चराएंगे, गोप ग्वालों के साथ रहे। इन ब्रजवासियों ने बड़ा प्रेम किया है गोविंद से। मैया यशोदा का प्रेम तो प्रेमी जनों अतुलनीय है, अवर्णनीय है। लेकिन गोविंद का समय थोड़ा और निकला, आज वृंदावन भी छूट गया। मैया यशोदा, गोप ग्वाले, गैया बछड़े, नंद बाबा सब छूट गए, मथुरा आ गए। कुछ समय के बाद में मथुरा भी छूट गई। द्वारिका पहुंचे, पांडवों का बड़ा स्नेह मिला, पांडव भी छूट गए, और धीरे धीरे द्वारिका भी छूट गई। कृष्ण के जीवन में सब कुछ छूटता ही रहा है, लेकिन नहीं छूटी तो गोविंद की मुस्कान नहीं छूटी, गोविंद की सकारात्मकता नहीं छूटी। हर परिस्थिति में प्रेमीजनों मुस्कुराते रहे। ठाकुर जी
सकारात्मकता के प्रतीक हैं। गोविंद प्रेमी जनों दुख के प्रतीक नहीं है, उत्सव के प्रतीक हैं। जीवन में कुछ भी छूटता जाए, कैसी भी परिस्थिति आती जाए, लेकिन गोविंद की तरह हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहे, हमेशा उत्सव में रहे, हमेशा प्रसन्न रहे। लेकिन हमारी और आपकी ये स्थिति हो जाती है कि जीवन में कुछ थोड़ा सा छूट जावे, जीवन से जुड़ा हुआ कोई एक व्यक्ति रूठ जावे, सोई डिप्रेशन में आ जावे, सोई तनाव में आ जावे, नींद की गोली ले वो प्रारंभ कर देवे, फिर नींद भी ना आवे बिना टेबलेट खाए। क्या इष्ट बनाया फिर तुमने प्रभु? जब तक उनके जैसे गुण आपके जीवन में नहीं आए, हर परिस्थिति में मुस्कुराना नहीं सीखा, उत्सव और आनंद में रहना नहीं सीखा। आनंद स्वयं गोविंद है। आपने जब तक जीवन में हर परिस्थिति में आनंद में रहना नहीं सीखा, तो क्या इष्ट बनाया? जब प्रेमी जनों इस संसार को छोड़ करके आपका सामना, आपकी भेंट आपके इष्ट से होगी, उस समय वो ये नहीं, ये आपकी इन बातों को नहीं सुनेंगे कि आप क्यों रोते रहे, क्या दुख आए, कौन छोड़ के गया, किस वजह से तनाव में आए, कितनी नींद की गोलियां खाई, ना पूछेंगे। एक ही बात कहेंगे कि मैंने तुझे तेरे जीवन में इतने उत्सव के अवसर दिए, इतनी अवसर सुंदर सुंदर दिए जिनमें तू प्रसन्न रह सकता था, जिनमें आनंदित रह सकता था, तूने इन अवसरों को गंवाया क्यों, इनको तूने अपनाया क्यों नहीं? गोविंद को इष्ट बनाया है तो इसके जैसे गुण आपके जीवन में आने चाहिए। आपने मान के चलो भोलेनाथ को अपना इष्ट बना लिया, ध्यान देना, भोलेनाथ कौन कौन इष्ट बना रहा है? सब पूजा कर रहे। भोलेनाथ को इष्ट बनाया तो भोलेनाथ जैसे गुण आपके अंदर आ रहा, जिसको इष्ट बनाए उसके जैसे गुण आप, जैसे आपने देखा होगा जो पहलवान लोग होते हैं किसकी पूजा करते हैं? हनुमान जी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये भाव होता है कि हमारे भी शरीर में हनुमान जी जैसा बल हो, हनुमान जी जैसा मजबूत और बलवान हमारा शरीर हो, ये हनुमान जी को इष्ट बनाने का मतलब। भोलेनाथ को इष्ट बनाया, अब ध्यान देना, भोलेनाथ के जीवन पर एक बार नजर डालें। लिखा है कि चतुरानन बाप पचानन आप, सड़ानन पूत दसानन चेला। भोले बाबा के जो पिता हैं इनके कितने मुख हैं? ब्रह्मा जी को चार मुख हैं। चतुरानन बाप पचानन आप, खुद को कितने मुंह हैं? पांच मुख हैं। सड़ानन पूत पुत्र को छह मुख हैं। दसानन चेला, और चेला को दस मुख। अब विचार करना, इनके पास इतने मुंह हैं, फिर भी कितना शांति से रहते हैं, ध्यान में रहते हैं, और एक आप भोले बाबा के भक्त हैं, जो कि एक मुंह है फिर भी पूरे दिन ऐसा लगे जैसा सब्जी बेच रहे हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुने काउ की ना, सुनाते ही रहे। अच्छा, इस संसार में जितने भी झगड़े हैं उसमें 90% झगड़े केवल इसी बात के हैं कि कोई किसी की सुनना नहीं चाहता, सब सुनाना चाहता। भगवान ने दो कान दिए हैं, एक मुख दिया है, सुनो ज्यादा बोलो कम। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम बोले ज्यादा सुने काउ की ना। और जहां बोलने वाले ज्यादा हो, जिस घर में प्रेमी जनों बोलने वाला एक हो, सुनने वाले सब हो, उस घर में प्रेम रहता है, शांति रहती है। और जहां बोलने वाले सब हो और सुनाने वाले कम हो, तो वहां पर झगड़ा होता है, वहां पर फिर शांति ना रहे, आनंद ना रहे। उदाहरण के लिए आप सभी भक्त बैठ करके कथा सुन रहे हैं, यहाँ बोलने वाले हम अकेले हैं और आप सब सुनने वाले हैं। कितना सुंदर दृश्य है, कितना आनंद आ रहा है सब। अब इसी को एक बार विपरीत करके देख लीजिए, आप सब बोलने लग जाइए और हम अकेले सुनने लग जाओ, कैसा लगेगा? प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। अब देखिए, जीवन में परिस्थितियां अनुकूल हो,
खूब बढ़िया तो धन का आगमन हो, खूब काम करने के लिए नौकर चाकर लगे हो, सारी व्यवस्थाएं अच्छी हो, फिर आप कहें कि परिवार में बड़ा प्रेम है तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। प्रेम का पता कब चलता है? जब जीवन में परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाए। आपके पास में ऐश्वर्य है, धन है, तब तक ये संसारी सब आपको प्रेम दिखाएंगे कि हम तुम्हारे हैं, तुमसे बड़ा प्रेम है। जब तक जेब में पैसे हैं तब तक सब पूछेंगे कि आप कैसे हैं, सब आपसे प्रेम दिखाएंगे। प्रेम की पता तो तब चलेगा जब जीवन में परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाए। अब देखिए, भोले बाबा के जीवन पर एक बार नजर डालें। भोलेनाथ की सवारी क्या है? नंदी। और इनकी पत्नी की सवारी क्या है? शेर। शेर और नंदी अगर कहीं एकांत में मिल जाए तो क्या होगा? एक बचेगा, जो भारी पड़ेगा बच जाएगा। अच्छा, भोले बाबा के गले में रहते हैं सर्प, और इनके पुत्र कार्तिकेय की सवारी है मोर। ये अगर एकांत में मिलेंगे तो क्या होगा? एक बचेगा। इनके गले में सर्प है, इनके पुत्र गणेश की सवारी चूहा, ये भी एक दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन सब कितना प्रेम से रहते हैं उसके कैलाश। परिस्थितियां प्रतिकूल, राजनीति अगर सीखनी है, परिवार चलाना यदि सीखना है, भोलेनाथ प्रेमी जनों परिवार प्रधान है। परिवार चलाना यदि सीखना है तो भोले बाबा सिखाते हैं कि परिवार के सदस्यों के विचार क्रियाएं प्रतिकूल हैं, एक दूसरे के उल्टी हैं, लेकिन फिर भी सबका सामंजस्य बिठा करके बड़े प्रेम से रहते हैं, ये भोलेनाथ सिखाते हैं। ये परिवार प्रधान है। अब देखिए, सभी देवता जब समुद्र मंथन हुआ तो उस समुद्र मंथन में एक से एक अलौकिक रत्न निकले और सबरे देवताओं ने भी रत्न बांट ले। सबने ऐसे बांट ले मानो कि सब रत्नों पर इन्हीं का अधिकार हो, याद रख करके भूल गए। भोले बाबा को किसी ने नहीं पूछा अमृत ले लो या ऐरावत ले लो, काम देनु ले लो, किसी ने नहीं पूछा। और जैसे ही प्रेमी जनों हलाहल विष निकला है, उसी समय सबको भोलेनाथ याद आ गए कि हे भोले बाबा अब आ जाइए, अब रक्षा कीजिए। और भोले बाबा इतने अवधारदानी हैं कि आ भी गए और उस विष का पान भी किया है। ध्यान देना, किसी परिवार में किसी पिता को चार पुत्र हों, तीन पुत्रों को पिता की संपत्ति का सुख मिले, चौथे पुत्र को उन सुखों से वंचित रखा जाए। अब परिवार में कभी संकट का समय आएगा तो क्या वो चौथा पुत्र आ सकता है संकट के समय में? नहीं आएगा। लेकिन ये भोलेनाथ सिखाते हैं कि हे भोलेनाथ, हमें ऐसी सामर्थ्य प्रदान करें कि जीवन में परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हो जाए लेकिन परिवार में प्रेम बना रहे, और हम दूसरों के सुख के लिए, परिवार के हित के लिए, समाज संसार कल्याण के लिए अपने जीवन में बड़े से बड़े दुख रूपी विष का पान करने की हमारे अंदर सामर्थ्य हो, ऐसी शक्ति प्रदान करें। ये भोले बाबा के गुण जब हमारे अंदर आएंगे तब उनकी पूजा सार्थक है, और जब तक इनके गुण आपके अंदर ना आवेंगे तब तक प्रेमीजनों कितनी भी पूजा करते रहो कोई फल मिलने वाला। बड़ा सुंदर मनोहर जीवन है भोलेनाथ का, बड़े निराले हैं भोले बाबा। आइए बड़े भाव के साथ सुनेंगे, बोले शंकर भगवान की। अरे भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, और नहीं कोई, और नहीं, और नहीं कोई, और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला
कोई और नहीं। डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद ये भोले, उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद ये भोले, उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद ये भोले, उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद ये भोले। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। शंकर भगवान की जय हो, सर हाथ खोल करके तालियों की सेवा करते हुए। करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, जब जब माया करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, जब जब माया करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, जब जब माया करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। तुमको पापों से बचाने वाला और नहीं, तुमको पापों से बचाने वाला और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं, भोले बाबा से निराला कोई और नहीं, भोले बाबा से निराला कोई और नहीं। मुझको स्वामी क्यों बिसराया, तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको बाबा क्यों अपनाया, तुमने भोले कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों अपनाया, तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको बाबा क्यों बिसराया। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, ऐसा भक्तों का
बाबा से निराला कोई और नहीं, भोले बाबा से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। गौरीनाथ से निराला, सपुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभु बाबा से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। बोले शंकर भगवान की, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। शंभो कहने का मतलब है कि जीवन में हम जिसको इष्ट बनावे उसके जैसे गुण प्रेमी जनों जब तक हमारे अंदर नहीं आएंगे, जब तक उसके जैसे चरित्र को हम अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, तब तक इष्ट बनाने का कोई मतलब नहीं। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो ये है कि भगवान के जब वेद में नाम अजन्मा है तो ये देवकी वसुदेव का पुत्र कृष्ण कैसे बना, दशरथ नंदन राम कैसे बना। देखिए भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान का अवतार होता है, भगवान अवतार लेते हैं। जब जब इस संसार में अधर्म बढ़ने लगता है, पापी लोग धर्म को क्षति पहुंचाते हैं, धर्म को हानि पहुंचाते हैं, तुलसीदास बाबा भी मानस में लिखते हैं, ओ जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन वीरा, हरे कृपा निधि सज्जन वीरा। जब जब अधर्मी लोग धर्म को हानि पहुंचाते हैं, धर्म को क्षति पहुंचाते हैं, असुर वृत्ति के लोगों का बोलबाला बढ़ जाता है, तब भगवान अलग अलग समय पर अलग अलग रूप धारण करके प्रकट होते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। और प्रेमी जनों धर्म की स्थापना करके भगवान पुनः अपने धाम को चले जाते हैं। कहने लगे कि अगला तुम्हारा प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने हैं। बोले देखिए वैसे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि भी अनंत है, इनकी कथाएं भी अनंत है, लेकिन मुख्यतः भगवान के 24 अवतार बताए हैं, जिसमें भगवान का पहला अवतार सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार चार भाइयों के रूप में लिया, दूसरा अवतार भगवान ने 12 अवतार लिया, तीसरा अवतार प्रभु का संत नारद के रूप में है, चौथा अवतार भगवान का नर और नारायण के रूप में है, पांचवा अवतार भगवान ने कपिल अवतार लिया है, छठवा अवतार प्रभु का दत्तात्रेय भगवान के रूप में है, सातवा अवतार प्रभु ने प्रेमी जनों यज्ञदेव भगवान के रूप में लिया है, और आठवा अवतार भगवान का ऋषभदेव जी के रूप में है, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। ये जैन धर्म सनातन धर्म रूपी वृक्ष की ही शाखा है।
यहाँ से आगे जो नौवां अवतार है भगवान का, प्रथु अवतार है, दसवां अवतार मत्स्य अवतार, ग्यारहवां कच्छप अवतार, बारहवां धनवंतरी अवतार है, तेरहवां अवतार प्रभु ने मोहिनी अवतार लिया है और चौदहवां अवतार प्रभु का नरसिंह अवतार है। पंद्रहवां अवतार भगवान का वामन अवतार है। सोलहवां अवतार भगवान ने जो लिया वो है श्री परशुराम भगवान के रूप में। बोले परशुराम भगवान की जय हो। परशुराम जी भगवान के सोलहवें अवतार हैं। देखिए परशुराम जी के बारे में समाज में एक भ्रांति फैलाई गई है कि इन्होंने इस भूमि को 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया था। यह सरासर गलत है। असल में प्रेमीजनों, हमारा जो भारत वर्ष है ये सैकड़ों वर्ष गुलाम रहा है। इस गुलामी के समय पर हमारे शास्त्रों में, हमारे इतिहास में ऐसी बहुत सारी छेड़खानी करी है जिनके कारण इस समाज में आपस में विरोधाभास बना रहे हैं। परशुराम जी ने ऐसा कुछ नहीं था कि क्षत्रियों से कोई द्वेष हो या शत्रुता हो। असल में परशुराम जी के जो पिताजी थे इनको प्रेमीजनों एक राजा राज परिवार के सदस्यों ने मारा था। अब ध्यान देना, कोई व्यक्ति या कोई परिवार किसी के पिता को मारे तो उसके पुत्रों के अंदर जितना सामर्थ्य होगा अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने संपूर्ण बल का, शक्ति का प्रयोग करके और पिता के अपराधियों को प्रेमीजनों दंडित करने का प्रयास करेगा। पूरी शक्ति का प्रयोग कर देगा पिता के अपराधियों को दंड देने। अब जिन्होंने इनके पिताजी को मारा था, चाहे वो कोई भी हो, उसको परशुराम जी ने दंडित किया था। ये बार बार छुप जाते थे तो 21 बार में ढूंढ ढूंढ करके इस राज परिवार को नष्ट किया था। पिता के हथियारों को 21 बार में ढूंढ ढूंढ करके मारा। परशुराम जी के रूप में भगवान का ये 16वां अवतार है। 17वां अवतार प्रभु का वेदव्यास जी के रूप में। 18वां अवतार भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में लिया है। बोले रामचंद्र भगवान की जय। 19वां अवतार भगवान का और बलराम जी के रूप में है। 20वां अवतार भगवान ने जो लिया है वो है कृष्ण अवतार। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। 21वां अवतार भगवान का हरि अवतार है। 22वां अवतार प्रभु का हंसा अवतार है। 23वां अवतार भगवान ने जो लिया वो है बुद्ध अवतार। यानी जो बुद्ध हैं वो भी भगवान के ही प्रेमीजनों स्वरूप हैं। यानी जो बौद्ध धर्म है ये भी सनातन धर्म रूपी वृक्ष की शाखा है। लेकिन राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण और आज इस वृक्ष को कमजोर, सनातन रूपी वृक्ष को कमजोर करने की ही कई सिस्टम चलाए जा रहे हैं जिसमें इन शाखाओं को काटा जा रहा है, अलग करने का प्रयास किया जा रहा है। और उसके अलावा जैसे लकड़ी को घुन कमजोर करता है, ऐसे ही सनातन रूपी वृक्ष को प्रेमीजनों बहुत सारे ऐसे घुन हैं। अच्छा, शत्रुओं से विरोधियों से इतना खतरा नहीं है जितना ये सनातन रूपी वृक्ष में जो घुन घुस गए हैं इनसे परेशानी है। ये इसको अंदर ही अंदर कमजोर कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार की संस्थाएं चलाने लग जाती हैं, शास्त्रों के विरुद्ध, पुराणों के विरुद्ध अपनी पुस्तकें छप्पा करके बांटने लग जाते हैं, अपने नए नए धर्म बना लेते हैं, मूर्ति पूजा का, सनातन का विरोध करने लग जाते हैं, खुद को भगवान का अवतार बताने लग जाते हैं। ऐसे बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं जो खुद प्रेमीजनों भ्रम में रहते हैं, जो खुद जिनका पूरा जीवन भ्रम में पड़ा हुआ है और खुद का नाम प्रेमीजनों ब्रह्म से रख लेते हैं, खुद की संस्थाओं, ऐसी कई संस्थाएं चल रही हैं। इन गुणों से भी प्रेमीजनों हमें सावधान रहने की अति आवश्यकता है। इसके अलावा भगवान का जो 24वां अवतार है ये स्वयं कल्कि अवतार है प्रभु। ये भगवान के मुख्य 24 अवतार हैं।
यहाँ से आगे अगला जो प्रश्न है वो भगवान के अवतार संबंधी कथाएं सुनने का है, या प्रेमी जनों 7 साल पर्यंत आप सुनते ही रहेंगे। अंतिम प्रश्न ये है कि ये धर्म किसकी शरण में गया? भगवान जब धर्म की रक्षा करके गए तो बताया कि धर्म कहीं और नहीं स्वयं भागवत जी की शरण में गया। यहां से आगे 4 प्रश्न और हुए। ये प्रश्न हुए कि इस भागवत की कथा को कब लिखा गया, क्यों लिखा गया, किसकी प्रेरणा से लिखा गया और किस हेतु से लिखा गया। ये प्रश्न यहां पर किए हैं। तो यहां बताया है सूत जी महाराज ने कि द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी द्वासभ्याम कलया हरे। द्वापरे समनु प्राप्ते यानी द्वापर के अंत में और पाराशर जी की पत्नी सत्यवती के गर्भ से वेदव्यास जी ने अवतार लिया है। बोले वेदव्यास भगवान की जय हो। जब वेदव्यास भगवान ने अवतार लिया तो देखा कि संसार के प्राणी इस मानव शरीर जैसे अनमोल हीरे को प्राप्त करके, अनमोल रत्न को प्राप्त करके सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त हैं। खाने पीने सोने जागने हंसने खेलने कूदने नाचने गाने इन्हीं कार्यों में जीवन को प्रेमी जनों व्यतीत कर रहे हैं पशु की भांति। क्योंकि बताया था ना 4 समानता हैं पशु में और मनुष्य में, आहार निद्रा भय संततित्वम सामान्य मेतत पशु भी नराण। आहार यानी पेट भरना, पशु भी पेट भरता है मनुष्य भी पेट भरता है। निद्रा पशु भी सोता है मनुष्य भी सोता है। भय पशु को भी भय लगता है डर लगता है मनुष्य को भी भय उत्पन्न होता है। संततित्व पशु भी संतान पैदा करता है मनुष्य भी पुत्र उत्पत्ति करता है। यदि इन्हीं कार्यों में जीवन निकल रहा है तो ये पशु की भांति ही तो जीवन निकल रहा है। क्या अंतर रह जाता है मानव जीवन को? 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव योनि है और इस मानव योनि को प्राप्त करके भी यदि पशु की भांति जीवन निकाल दें। कहते हैं कि भजन कर लो भगवान की कथा सुन लो, तो कहते हैं कि पहले अपने गृह कार्य को निपटा लें तब भजन करेंगे, अपने जीवन के कार्य को निपटा लें तब भजन करेंगे। दूसरे वक्त कहेंगे कि चलो कथा हो रही है कथा सुन के आवे, तो जवाब मिलेगा कि ना है आज घर के काम है गृह कार्य निपटा लें कल चलेंगे। दूसरों दिन आएगा अब कब चलेंगे, आज काम निपटा लें कब कल चलेंगे। जीवन पर्यंत प्रेमी जन यही कहते रहते हैं। एक और बात, जीवन में काम किसी के निपटते भी नहीं है, काम निपटाते निपटाते खुद निपट जाते हैं लेकिन काम ना निपटे, ये तो जीवन पर्यंत चलते रहे। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए, सांसारिक धर्म का पालन करें कर्म का पालन करें लेकिन गोविंद का स्मरण करते रहे। आज जब ये स्थिति वेदव्यास जी ने देखी बड़े दुखी हुए। अब इन्होंने क्या सोचा कि इनका कल्याण कैसे हो, उचित मार्ग कैसे मिले। इन्होंने क्या किया, एक वेदता एक वेद के 4 विभाजन किए, 4 विभाजन किए। मन में शांति नहीं आई, उपनिषदों की रचना करी, शास्त्रों की पुराणों की रचना करी, खूब रचनाएं कर दी लेकिन इनके मन में शांति ना आई। अब ये सोचने लगे कि इतनी रचनाएं करने के बाद जब मेरे ही मन में शांति ना आई तो दूसरों को शांति कैसे मिले। विचार करें, कोई कवि यदि कविता लिखे खुद की गाई गई कविता से यदि वो खुद ही संतुष्ट ना हो तो दूसरों को क्या संतुष्ट कर पाएगा। कोई भजन गाने वाला व्यक्ति अपने गाए हुए भजन में यदि उसको खुद ही आनंद ना आवे तो दूसरों को वो कैसे आनंदित कर पाएगा। मान के चलो आप घर में भोजन बनाते हैं, आपके बनाए गए भोजन में आपको खुद ही प्रेमी जनों आनंद नहीं आया, स्वाद नहीं आया, तो जिस अतिथि को आप भोजन कराएंगे उसे कैसे आनंद आ जाएगा। अब तो उदास बैठे हैं कि इतनी रचनाएं करने के बाद मेरे मन में शांति ना आए तो दूसरों के मन में शांति कैसे आएगी।
उदास बैठे थे। नारद जी आए, उदासी का कारण पूछा, उदास क्यों हो? बोले मैंने इतनी रचनाएं कर दी लेकिन मेरे मन में शांति ना है, कहा करूं? नारद जी बोले कि आपने जितनी भी रचनाएं करी हैं पर के लिए करी हैं, कुछ परमात्मा के लिए लिखो, सब तुमने ज्ञान वैराग्य को भरा भर दिया है, कुछ ज्ञान वैराग्य और भक्ति सहित, और कुछ ऐसी रचना करो जिससे जीव को आनंद आए। भक्ति ज्ञान वैराग्य इन तीनों की आवश्यकता है। देखिए जीवन में ज्ञान मिला, आपने कभी जलेबी देखी है? जलेबी बनती है, अपने जीवन में ज्ञान ग्रहण कर लिया, ज्ञान जलेबी की भांति है। ज्ञान क्या है? जलेबी की भांति, ज्ञान ग्रहण किया यानी जलेबी बना ली। लेकिन जलेबी जब बनाते हैं तो उसमें कलर डाला जाता है, रंग डाला जाता है, और ये रंग क्या है? वैराग्य रूपी रंग। जब तक इस ज्ञान रूपी जलेबी पर वैराग्य रूपी रंग नहीं चढ़ेगा तब तक जलेबी दिखने में सुंदर ना लगेगी। अच्छा रंग भी डाल दिया लेकिन अब आप इसको भी खा नहीं सकते। खाने से पहले क्या करना है? इसको चाशनी में डुबाना पड़ेगा, और जब तक ये जलेबी इस चाशनी में ना डूबेगी तब तक जलेबी को स्वाद ना आएगा। ज्ञान रूपी जलेबी को जब वैराग्य रूपी रंग लगाया जाए और इसको भक्ति रूपी चाशनी में डुबाया जाएगा तभी प्रेमी जनों इसका आनंद आएगा। प्रेम से बोलो राधे। कहने लगे कि तुमने ज्ञान वैराग्य की खूब चर्चाएं करी हैं, तीनों का समुच्चय लिखी, चार श्लोकी जो भागवत ब्रह्मा जी ने दी थी नारद जी को, नारद जी ने वेदव्यास जी को दी। नारद जी ने आज अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। बोले पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था, मेरी माँ संतों की सेवा करती थी। मेरे गांव में कुछ संत आए थे चातुर्मास का व्रत करने के लिए, वो जा रहे थे भंडारा करके तो मेरी माँ इनके भंडार के बर्तन साफ कर रही थी। जब बर्तन साफ कर रही थी तो एक संत की नजर मेरे ऊपर पड़ी कि तुम्हारी माँ इतनी सेवा करती है तुम भी कुछ सेवा किया करो। नारद जी बोले मैं भी छोटा हूँ मैं क्या सेवा करूँ? संत बोले काम करो, तुम संतों की जूठी पत्तल उठाओ। नारद जी पत्तल उठाने लगे, इनको आनंद आने लगा संत सेवा में। संत जब जाने लगे तो एक संत कहने लगे नारद जी एक काम करो तुम हमारे संग चलो। नारद जी मान गए, संग जाने लगे। अब तो इनकी माँ इनको रोकने का प्रयास करती है, नारद जी मचल गए, ना है मैं तो संतन के संग जावे, वो संतन के संग जावे। आज इनकी माँ ने संतों के पैर पकड़ लिए। महाराज एक ही बालक है इसी का सहारा है, इसको लेकर के ना जाए। संतों ने क्या किया कि द्वादशाक्षरी मंत्र दिया, इस मंत्र का भजन करो और तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। संत चले गए। अब नारद जी भजन करने के लिए बैठे तो इनकी माँ भजन ना करने दे। देखिए बड़ी विडंबना है समाज में, अगर किसी का बालक प्रेमी जनों ज्वारी बन जाए, शराबी बन जाए, कुकर्मी बन जाए तो ज्यादा चिंता ना करेंगे। एक ही बात कहेंगे कि समय का प्रभाव है, ये सब तो चलता रहता है। लेकिन अगर काऊ को बालक ज्यादा देर तक माला जाप करवे के ताई बैठ गयो सोई चिंता है जावेगी। कौए सोना है होवे कि मेरो छोरा बाबा जी बन जावे। अब इनकी माँ इनको भजन नहीं करने देवे। एक दिन की बात है, ब्रह्म मुहूर्त का समय, नारद जी की माता और गाय धोने के लिए जा रही थी। रात्रि का समय, अंधेरा हो रहा है, कुछ दिखाई नहीं दिया। एक सर्प के ऊपर पैर पड़ा और सर्प के धसे जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। नारद जी को दुख तो हुआ लेकिन मन को समझा लिया कि कोई बात नहीं, अब मुझे भजन करने से रोकने वाला कोई नहीं। भजन करने लगे, खूब भजन किया। आकाशवाणी हुई, नारद इस जन्म में तुम्हें मेरे दर्शन नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इस जन्म में तुम्हारे हृदय पर राग द्वेष का पर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन अगले जन्म में तुम्हें मेरे दर्शन जरूर होंगे। अब नारद जी बोले कि अगला जन्म मेरा ब्रह्मा के पुत्र नारद के रूप में हुआ। मैं भगवान का भजन करता था, भगवान के नाम को पहले मैं बेसुरा गाता,
लेकिन जब भगवान ने मेरे ऊपर कृपा करी तो मुझे ये वीणा प्रदान करी है। और जब से ये वीणा दी है तब से मैं इस वीणा को बजा करके गाता हूँ, और जब इस वीणा को बजाता हूँ तो इससे मैं स्वर से भजन कर पाता हूँ। अच्छा, भगवान ने नारद जी को एक वीणा दी थी, ऐसी ही वीणा हमें और आपको भी दी है। ये वीणा कोई और नहीं, ये शरीर रूपी वीणा है, और शरीर रूपी वीणा को जब हम बजाएंगे तो आपकी लगन प्रभु के चरणों में लग जाएगी, और जब गोविंद के चरणों में लगन लगेगी तो एक ही ध्वनि निकलेगी। क्या लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, 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 तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन प्रभु से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप याद करते थे, कि चुप चुप याद करते, कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, लो अब पर्दा, लो अब पर्दा, लो अब पर्दा हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लो अब पर्दा हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन प्रभु से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, आज जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा
खोल करके तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे। था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। कभी यह ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो जाएगा तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दुनिया से है क्या मतलब, तो दुनिया से है क्या मतलब, दीवाने बन गए तेरे तो दुनिया से है क्या मतलब। तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो जाएगा तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा।
बोले भक्त वत्सल भगवान के जय हो। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। आज नारद जी ने चार श्लोकी भागवत जब वेदव्यास जी को दी, वेदव्यास जी ने चार श्लोकों के 18,000 श्लोक बनाए, भागवत जी की रचना करी, और यही 18,000 श्लोक की भागवत आज वेदव्यास जी ने श्री सुखदेव जी को प्रदान करी है, सुखदेव जी ने सूत जी को दी है, सूत जी ने यही भागवत सोनकादि 88,000 ऋषियों को सुनाई है, और यही भागवत होते होते प्रेमी जनों चलते चलते आज हमारे और आपके मध्य में सब पावन प्रांगण तक आप पहुंची है। प्रेम से बोलो राधे राधे। सोनकादि ऋषि कहने लगे, गुरुदेव आपने हमें वक्ता की कथा तो सुना दी, भागवत जी के वक्ता कौन है? सुखदेव जी। वक्ता की कथा तो सुना दी लेकिन श्रोता की कथा ना है सुनाई। श्रोता कौन है? राजा परीक्षित। हमें श्रोता की कथा भी सुनाई। तो यहां से आगे महाभारत का बड़ा ही सुंदर प्रसंग प्रारंभ होता है। महाभारत के युद्ध की तकरीबन पूर्णाहुति हो चुकी थी, कोई भी जीवित नहीं बचा था कौरवों की सेना से। जीवित बचे थे तो केवल तीन लोग, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। दुर्योधन भी जीवित था लेकिन वो मरणासन्न अवस्था में पड़ा हुआ है। आज अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आए, कहने लगे कि देख भाई दुर्योधन, मैंने तो उससे पहले ही कहा था अगर तूने मुझे अपनी सेना का सेनापति बनाया होता तो निश्चित जीत तुम्हारी होती और पांडवों की हार होती, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। दुर्योधन कहता है कि देख अश्वत्थामा, जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक मैं ही राजा हूं। सेना मर गई कोई बात नहीं, राजा जीवित है। मैं तुझे अभी अपनी सेना का सेनापति बनाता हूं, मार दे पांडवों को। सेना मर गई तो क्या, सेनापति तो तू है, मार दे पांडवों को। और देख अगर तेने पांडव मार दे तो मैं तुझे आधा राज्य दे दूंगा, और अगर मैं ही जीवित नहीं बचा तब तो समझ ले पूरा राज्य ही तेरा है। अब तो राज्य का लोभ अश्वत्थामा के मन में आ गया। उसी समय चल दिया, मन में विचार करते हुए जा रहा है कि किस प्रकार से पांडवों को मारा जाए, किस प्रकार से पांडवों को मारा जाए। ऐसा सोचते सोचते जा रहा था, थोड़ा रात्रि का समय हो गया, एक वृक्ष के नीचे लेट गया। इसको नींद नहीं आई, इसने एक विचित्र दृश्य देखा। इसने देखा कि जिस वृक्ष के नीचे ये लेटा है उस वृक्ष पर कुछ कौवे सो रहे थे। रात्रि का समय, एक उल्लू कहीं से घूमते घूमते आया और सोते हुए कौओं को घूम घूम करके मार डाला। उल्लू को रात्रि में दिखाई देता है, कौओं को दिखाई नहीं देता। जब इस उल्लू ने सोते हुए कौओं को मारा, ये दृश्य अश्वत्थामा ने देखा, उसी समय अश्वत्थामा ने उस उल्लू को अपना गुरु बना लिया। मन में ऐसा विचार लाया कि जिस प्रकार इस उल्लू ने सोते हुए कौओं को मारा है, मैं भी सोते हुए पांडवों को मार डालूंगा। उस समय तो इनके पास हथियार भी नहीं होंगे। ऐसा विचार करके आज महल की ओर चल पड़ा। जैसे ही महल में प्रवेश किया, प्रथम कक्ष को खोला तो उस कक्ष में द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे, जो देखने में एकदम पांडवों की भांति दिखाई देते। युधिष्ठिर का पुत्र युधिष्ठिर की तरह दिखाई देता, भीम का पुत्र भीम की तरह दिखाई देता, अर्जुन का पुत्र अर्जुन की तरह दिखाई देता, नकुल सहदेव के पुत्र उनकी तरह दिखाई देता। द्रौपदी के इन 5 सोते हुए पुत्रों को जब देखा अश्वत्थामा ने, इन्हीं को 5 पांडव समझ लिया,
म्यान से तलवार निकाली, सोते हुए द्रौपदी के पांचों पुत्रों के सिर को धड़ से अलग किया और आज पांचों के सिर को अपने झोले में डाला और झोले में डाल करके प्रेमी जनों प्रसन्नता पूर्वक चला आ रहा है। जैसे ही दुर्योधन के पास आया, खुशी खुशी कहने लगा, देख दुर्योधन, मैंने तुझसे कहा था ना मुझे सेनापति बनाएगा तो मार दूंगा पांडवों को, मैंने पांचों पांडव मार दिए। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन फिर कहने लगा कि अरे अश्वत्थामा, तूने पांचों पांडव मार दिए, वो भी अकेले ने, कृष्ण के रहते मुझे विश्वास नहीं होता। अश्वत्थामा बोला, मुझे पता था कि आप विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए मैं पांचों के सिर लेकर के आया हूं, बताओ किसका सिर दिखाऊं। कहने लगे कि अगर ऐसी बात है तो ला, तू मुझे भीम का सिर दिखा दे। जैसे ही इसने झोले में हाथ डाल करके भीम के पुत्र का सिर निकाला, दुर्योधन के हाथ में दिया, दुर्योधन ने आज उस सिर को हाथ में लेकर के ज्यों ही दबाया, उस सिर एकदम से पिचक गया। जैसे ही सिर पिचका, आज दुर्योधन के नेत्रों में आंसू आ गए, कहने लगे कि अरे अश्वत्थामा, ये तूने क्या किया, ये तूने पांच पांडव नहीं मारे, ये तूने द्रौपदी के पांच पुत्रों को मार दिया। हम सौ भाई थे, सौ भाई कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के युद्ध में मारे गए, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी मारा गया, केवल द्रौपदी के ये पांच पुत्र ही तो थे जो हमारे वंश को आगे बढ़ाते। हो सकता है बड़े होकर के कभी हमारे नाम की जलांजलि दे देते, लेकिन तेने हमारे कुल में कोई पानी देवे वारो भी ना है, छोड़ो, तूने तो हमारे वंश को ही नष्ट कर दिया। नेत्रों में आंसू आ गए, आज रोते रोते तड़प तड़प करके दुर्योधन ने अपने प्राण त्यागे हैं। इधर प्रातः काल हुआ, सूर्य चढ़ते जा रहे हैं, द्रौपदी मन में विचार करने लगे कि मेरे पुत्र ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के आते हैं, मेरे चरण स्पर्श करते हैं, आज क्या बात है मेरे पुत्र नहीं आए, मैं खुद ही चल करके देखूं। ऐसा सोच करके आज द्रौपदी ज्यों ही पुत्रों के पास जाने लगी, कक्ष का जैसे ही प्रेमी जनों दरवाजा खोला, आज द्रौपदी ने देखा कि उस कक्ष के मुख्य द्वार से रक्त की धार बहते हुए चली आ रही है। भयभीत हो गई द्रौपदी, नेत्रों में आंसू निकल आए, दौड़ी दौड़ी जो ही पुत्रों के पास गई, चादर को हटा करके देखा तो द्रौपदी देखती हैं कि पांचों पुत्रों के तड़ पड़े हुए हैं, सिर नहीं है, रक्त की धार बह रही है। द्रौपदी एकदम घबरा गई, भयभीत हो गई, रुदन करने लगी, पुकारने लगी, हे अर्जुन पधारो, हे भीम पधारो, हे आर्य पुत्र पधारो। पांडव सोचने लगे कि द्रौपदी के जीवन में एक से एक बड़ा संकट का समय आया, लेकिन कभी नाम लेकर के नहीं पुकारा। आज ऐसा कौन सा संकट का समय आ गया जो नाम लेकर के पुकार रही है। दौड़े दौड़े पांचों पांडव आए, आकर के देखा कि पांचों पुत्रों के धड़ पड़े हुए हैं, द्रौपदी मूर्छित पड़ी है। आज अर्जुन ने और द्रौपदी को अपनी गोद में उठाया, नकुल पंखा झलने लगे, सहदेव जल लेकर के आए, जल के छींटे लगाए, जल पिलाया, द्रौपदी को होश आया। आज रोते रोते द्रौपदी कहती है कि मेरे इन निरपराध बालकों ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो किसी ने मेरे सोते हुए पांचों पुत्रों की हत्या कर दी, इनकी इनका तो कोई दोष नहीं था, ये तो अबोध है। आज जैसे ये रुदन करती है, अर्जुन को क्रोध आ गया और क्रोध में भर कर कहने लगे कि देवी, जिसने भी तुम्हारे पांच पुत्रों की हत्या करी है, मैं ऐसी प्रतिज्ञा
प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मृत्यु दंड दूंगा। तुरंत रथ को सजाया, गोविंद रथ हाँक रहे हैं, अर्जुन रथ में बैठे हैं, आगे आगे अश्वत्थामा का रथ जा रहा है, पीछे पीछे और अर्जुन का रथ जा रहा है। अर्जुन को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन गोविंद की आज्ञा पा करके अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके भयंकर ध्वनि करते हुए शांत हो गए। पकड़ लिया अश्वत्थामा को, रथ से बांध लिया, घसीट करके लाए, ला करके डाल दिया द्रौपदी के सामने। बोल द्रौपदी, इसको क्या सजा दूं? आज द्रौपदी ने जब इसको देखा तो आज रोते रोते द्रौपदी कहती है कि मुच्यताम ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे अर्जुन, इसको छोड़ दो, मत मारो। क्या तुम भूल गए? ये तुम्हारा गुरु पुत्र है, तुम्हारे गुरु के अनंत उपकार है तुम्हारे ऊपर। तुम्हारे गुरु ने जो तुम्हें दिया है वो अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी नहीं दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र छोड़ने की भी विद्या सिखाई थी, वापस खींचने की भी विद्या सिखाई थी, लेकिन अश्वत्थामा को केवल ब्रह्मास्त्र छोड़ने की विद्या सिखाई है, वापस खींचने की नहीं सिखाई। कहने लगी, अनंत उपकार है तुम्हारे ऊपर, ये तुम्हारा गुरु पुत्र है और ब्राह्मण तो वैसे भी जन्म से गुरु होता है, इसको छोड़ दो, मत मारो। विचार करना, जिसके पांच पुत्रों की हत्या कर दी गई हो, पांचों पुत्रों का धड़ जिसके सामने पड़ा हो, हत्यारा उसके सामने पड़ा है, पांच पति एक से एक बलवान साथ खड़े हैं प्रतिशोध लेने के लिए, और वो देवी कहती है इसे छोड़ दो, मत मारो, ये कोई साधारण बात नहीं है। आज अगर हमें और आपको कोई एक गाली भी दे दे तो हम भूलते नहीं है, देख लूंगा देख लूंगा देख लूंगा करते रहते। जब तक यमराज हमें नहीं देख लेता तब तक हम इस देख लूंगा शब्द को नहीं भूलते। और द्रौपदी कहती है कि इसे छोड़ दो, मत मारो। पता है क्यों? द्रौपदी के पांच पति हैं, इसका भी एक विशेष कारण है। भगवान श्री कृष्ण, इन्होंने अपनी सगी बहन सुभद्रा को अपना नाम नहीं दिया, द्रौपदी को अपना नाम दिया है। द्रौपदी का एक नाम है कृष्णा। जिस प्रकार कृष्ण कृपा के सागर हैं, द्रौपदी भी दया की देवी है। द्रौपदी यानी दया। इसके पहले पति हैं युधिष्ठिर। युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक हैं और द्रौपदी यानी दया, युधिष्ठिर माने धर्म। धर्म के साथ में दया का होना बहुत जरूरी है। जिस धर्म में प्रेमी जनों दया नहीं है, जिस धर्म में जीव मात्र के प्रति दया भाव न सिखाया जाए, जिस धर्म में जीव मात्र की हिंसा करना हत्या करना सिखाया जाए, जिस धर्म में प्रेमी जनों जीवों को मारने की प्रेरणा दी जाती हो, हत्या करना सिखाया जाता हो, जिसमें दया भाव न सिखाया जाता हो वो धर्म नहीं होता, उसको अधर्म कहते हैं। धर्म के साथ में दया का होना बहुत जरूरी है। दूसरे भीम, भीम यानी बल, द्रौपदी यानी दया। बल के साथ में दया का होना बहुत जरूरी है, चाहे वो भुजबल हो, चाहे वो धनबल हो, चाहे वो किसी बड़े पद का बल हो। यदि बल के साथ में दया नहीं है तो जीव इस बल के अभिमान में आकर के और इस बल का दुरुपयोग करने लग जाता है। इसलिए बल के साथ यानी भीम के साथ में द्रौपदी का होना बहुत जरूरी है, बल के साथ में दया का होना बहुत जरूरी है। अर्जुन यानी आत्मा, प्रत्येक जीव की आत्मा में दया का होना बहुत जरूरी है। नकुल यानी रूप, रूप परमात्मा ने सुंदर रूप दे दिया, यदि दया नहीं है तो जीव रूप गर्विष्ठ हो जाएगा, रूप के साथ में दया का होना बहुत जरूरी है।
सहदेव यानी ज्ञान। ज्ञान के साथ में दया का होना बहुत जरूरी है। ये द्रौपदी रूपी दया रूपी द्रौपदी के पांच पति हैं। आज द्रौपदी कहती हैं कि इसको छोड़ दो, मत मारो, मेरे पांच पुत्र मारे गए कोई बात नहीं, मैं निराधार नहीं हुई, मुझे पांच पतियों का आधार है। लेकिन यदि तुम इसे मार दोगे तो इसकी माँ तो एकदम निराधार हो जाएगी, क्योंकि गुरु द्रोण पहले ही कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के युद्ध में मारे जा चुके हैं। केवल अपने इस पुत्र के आधार से इसकी माँ जीवित है। अगर तुम इसे भी मार दोगे तो वो किसके आधार से जिएगी? मत मारो, छोड़ दो। पुत्र वियोग की वेदना क्या होती है मैं जानती हूँ, मेरे पांच पांच पुत्र मारे गए। जब इस प्रकार से द्रौपदी कहने लगी, अर्जुन सोचने लगे कि द्रौपदी के मन में दया आ गई, और राजनीतिक संविधान में किसी की भावनाओं को देख करके फैसले नहीं लिए जाते। युधिष्ठिर जी की ओर देखा, भैया आप ही बताएं ना क्या करूं। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि जैसा धर्म शास्त्र कहते हो वैसा कर। भीम की ओर देखा, भीमसेन कहने लगे देखते क्या हो, मार डालो इसे, अगर तुम नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगा। नकुल सहदेव कहने लगे, भीम भैया बिल्कुल ठीक कहते हैं, इस दुष्ट को मरना ही चाहिए। अब अर्जुन और संकोच में पड़ गए। द्रौपदी कहती है छोड़ दो, युधिष्ठिर कहते हैं धर्म शास्त्रों का आचरण करो, भीम कहते हैं मार दो, क्या करो। अच्छा, अर्जुन के जीवन में जब भी कोई संकट आता है, धर्म संकट आता है, गोविंद की ओर निहारते हैं, ठाकुर जी की ओर देखने लगे। अब एक और बात बताऊं, कन्हैया जो है ना टेढ़े हैं, तो बात भी टेढ़ी करें। जैसे ही गोविंद की ओर देखा, कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारहण। हे अर्जुन, ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो उसे कभी मारना नहीं चाहिए, और आतताई चाहे कोई भी हो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अब और भी संकोच में पड़ गए अर्जुन। गोविंद कहते हैं ब्राह्मण को कभी मारे नहीं, आतताई को कभी छोड़े नहीं, अब ये दुष्ट ब्राह्मण भी है और आतताई भी है, अब इसे मारू या छोड़ो। लेकिन पक्के मित्र हैं गोविंद के, समझ गए गोविंद की बात। तुरंत म्यान से तलवार निकाली, आज अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी आधी मूंछ मोड़ दी, तलवार की नोक से इसके मस्तिष्क में लगी हुई मणि को निकाल लिया, मुकुट नीचे गिरा दिया, धक्के मार करके सभा से बाहर कर दिया, अपमानित कर दिया। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का यदि समाज में अपमान कर दिया जाए, ये उसके लिए मृत्यु दंड के समान होता है। निकल करके चले आए, बड़ा क्रोध आ रहा है। अब तो प्रतिशोध की अग्नि अश्वत्थामा के अंदर जलने लगी। पांडवों ने मेरा अपमान किया है, बदला लेकर मानूंगा, सोचने लगे। लेकिन करूं क्या? फिर विचार आया, और तो इनके कुल में कोई जीवित बचा नहीं, केवल अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो बालक है वही इस वंश को आगे बढ़ाएगा। यदि मैं उत्तरा को ही मार दूं तो वंश ही नष्ट हो जाएगा। ऐसा विचार करके इसने एक और ब्रह्मास्त्र छोड़ा उत्तरा के लिए। उत्तरा ने आज जब उस ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा, एकदम भयभीत हो गई, दौड़ी दौड़ी गोविंद के पास आई, पुकारने लगी कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम वस्ये यत्र मृत्यु परस्परम। कहते हैं कि पाहे पाहे महायोगिन, हे गोविंद मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। क्या हुआ? कहने लगी कि अश्वत्थामा ने मुझे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, मैं मर जाऊं मुझे इसकी चिंता नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक है वो इस पांडवों के वंश को आगे बढ़ाएगा, मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए।
गोविंद ने नेत्र बंद करके ध्यान किया, देखा कि उत्तरा के गर्भ में जो बालक है ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो मेरा परम लाडला भक्त परीक्षित है। सूक्ष्म रूप लेकर के उत्तरा के मुख द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गए, ब्रह्मास्त्र को शांत किया, इस बालक की रक्षा करी। सोनकाद ऋषि कहते हैं कि गुरुदेव एक बात बताइए, इस गर्भ को नरक बताया है, जब गर्भ को नरक बताया है तो भगवान इस नरक में क्यों गए? सूत जी बोले कि ऋषियों, भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए कहीं भी जा सकता हूं, चाहे वो नरक ही क्यों ना हो। प्रेम से बोलो राधे। आज भगवान ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया, उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी, निकल करके आए गर्भ से। कुछ समय व्यतीत हुआ, युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर जी, बहुत दिन हो गए मुझे यहाँ रहते रहते, अब मैं द्वारका जाना चाहता हूँ। द्वारकावासी याद कर रहे होंगे, युधिष्ठिर जी कहते हैं कि इच्छा तो ना है, आपको भेज दे मैं, लेकिन हमारे कारण द्वारकावासियों को कष्ट हो ये भी हमें है और पसंद नहीं है, ये भी हम नहीं चाहते, इसलिए आप जा सकते हैं। अच्छा, गोविंद जब जाने लगे तो सबको वरदान देते हैं, सबसे कहा सब वरदान मांगो, जिसको जो उचित जान पड़ा सबने अपने अपने अनुकूल वरदान मांगा है। अच्छा, सबने कुछ न कुछ मांगा, लेकिन बुआ कुंती ने कुछ नहीं मांगा, वो शांत खड़ी है। गोविंद ने जब बुआ की ओर देखा, कहने लगे बुआ तुम भी कुछ मांगो ना। बुआ कहती है कि गोविंद मैं तुमसे क्या मांगू, सब कुछ तो दिया है मुझे, आपने जो मुझे दिया है वो तो अपने माता पिता को भी नहीं दिया, क्योंकि आपने दुष्ट कंस से केवल अपने माता पिता की रक्षा करी थी, अपने छह भाइयों की रक्षा ना करी, लेकिन मेरी तो मेरे पुत्रों के साथ रक्षा करी है, मैं क्या कुछ नहीं चाहिए। गोविंद कहते हैं बुआ बड़ी इच्छा है कछु देवे की, कछु तो मांग ले। जब बार बार कहने लगे तो कुंती कहती हैं कि गोविंद मांग तो लूंगी, लेकिन वचन दो कि मैं जो मांगूंगी वो देना पड़ेगा। गोविंद कहने लगे बुआ मांगो तो सही। तो बुआ ने बड़ा सुंदर मांगा है, क्या कहती हैं कि विपतः संतुनः सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्या द पुनर्भव दर्शनम। कहती हैं कि हे गोविंद, यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो अनेकानेक विपत्तियों के पहाड़ दे दो, दुख दे दो। गोविंद कहने लगे कि बुआ ये संसार मुझसे सुख मांगते मांगते नहीं थकता, तू मुझसे दुख मांग रही है क्यों? तो बुआ कहती हैं कि गोपाल आप जानते हैं जीव के जीवन में जब सुख आ जावे तो वो तुम्हें भूल जाता है, केवल दुख के समय पर ही आपको याद करता है। कहते हैं कि दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती तो कन्हैया हमें तेरी याद कभी आई न होती। जीवन में जब दुख आते हैं तब गोविंद की याद आती है, इसलिए मैं तो कहती हूं कि बा सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय सो जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपा। मैं तो कहती हूं कि ऐसे सुख के माथे पर पत्थर पड़े जिस सुख के आते ही हम प्रभु को भूल जाते हैं, ऐसे सुख से तो वो दुख लाख गुना अच्छा है जिसमें कम से कम हमें गोविंद की याद तो बनी रहती है, इसलिए मुझे दुख दे दे। एक और बात बतावे, ये जो संसार है प्रेमी जनों, ये जो दुनिया है, दुनिया का मतलब होता है द्वैयात आचरणम करोति इति दुनिया,
जो दो प्रकार का आचरण करती है उसे दुनिया कहते हैं। आप अपने जीवन में कितना भी अच्छा काम कर लेना, अगर चार लोग आपकी प्रशंसा करेंगे तो एक दो व्यक्ति आपका विरोध करने वाले भी मिल जाएंगे। और कोई कितना भी बुरा काम कर ले, अगर चार लोग उसका विरोध करेंगे तो एक आध व्यक्ति उस बुरे व्यक्ति का भी सपोर्ट करने वाले मिल जाएंगे। क्योंकि ये दुनिया की परिभाषा है, कभी भी एक जैसी नहीं रहती, कभी सारी हवा एक जैसी नहीं चलती, बदलती रहती है, दो प्रकार का आचरण करती है। जीवन का समय भी हमेशा बदलता रहता है, दिन है तो रात होगी, रात है तो दिन होगा, सुख है तो दुख भी आएगा और दुख है तो सुख भी आएगा, बदलता रहता है। अगर आपके जीवन में आज प्रसन्न होने का, हंसने का मौका है तो जीवन में कोई समय ऐसा भी आएगा जो रोने का अवसर आएगा। और जीवन में यदि कभी रोने का मौका आए तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, संसारियों के सामने मत रोना। संसारी क्या जाने आपके आंसुओं की कीमत। आप उनके सामने रोगे वो आपके दुखों को ऐसे सुनेंगे जैसे आपके सबसे बड़े तैसे यही है, लेकिन आपसे दूर जाकर के आपके दुखों का तीसरे लोगों के आगे हंस हंस करके बखान करेंगे। इसलिए यदि कभी रोने का मौका आए तो ठाकुर जी के सामने रोना। और मैं ये वचन देता हूं कि जब आप गोविंद के सामने रोना प्रारंभ करेंगे, ये ठाकुर जी आपको जीवन में कभी रोने नहीं देंगे। कहते हैं कि हर आंसू सबको दिखाया न करो, हर बात सबको बताया न करो। अरे लोग तो अपनी मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, हर जख्म सबको दिखाया न करो, हर जख्म सबको दिखाया। इसलिए कभी रोने का भी मौका आए तो गोविंद के सामने रो। कुंती जब दुख मांगने लगे तो गोविंद कहते हैं कि बुआ तू मुझसे दुख क्यों मांग रही है, सुख क्यों नहीं ले लेती, ये संसारी सुख मांगते मांगते नहीं थकते, तू दुख मांग रही है। तो बुआ बड़ा सुंदर कहती हैं, और क्या कहते हैं बुआ, कि दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को हो, ये छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, कन्हैया
तुम्हारी न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम किस घर में होती इबादत तुम्हारी ये सुख दुख ही तो दुनिया की दुख ही तो इंसान को इंसान बनाते हैं इंसान बनाते हैं संसार है एक नदिया संसार है एक नदिया सुख दुख तो किनारे हैं छोड़ू मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं छोड़ू मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं सुख भी मुझे प्यारे दुख भी मुझे प्यारे हैं छोड़ू मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं छोड़ू मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं पलंग पुतरिया जाम सुख में उपजे तीन गुण पलंग पुतरिया जाम दुख में उपजे एक गुण सोवत जागत राम दुख में उपजे एक गुण सोवत जागत राम सुख में तेरा सुखर करूं दुख में भारी याद करूं सुख में तेरा सुखर करूं दुख में भारी याद करूं सुख में सुखर करूं दुख में फरियाद करूं जिस हाल में तू राखे उस हाल में याद करूं उस हाल में याद करूं यादों में तेरी मैंने ये गीत समारे हैं यादों में तेरी मैंने ये गीत समारे हैं छोड़ू मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं छोड़ू मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं सुख भी मुझे प्यारे हैं दुख भी मुझे प्यारे हैं सुख भी मुझे प्यारे दुख भी मुझे प्यारे छोड़ू मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं छोड़ू मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं छोड़ू
छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। आज बुआ कुंती जब गोविंद से बार बार दुख मांगती हैं, अब कन्हैया बुआ को दुख देना नहीं चाहता। अच्छा कन्हैया की एक विशेषता है, ध्यान देना, गोविंद जिसकी तरफ देख करके मुस्कुरा दें, समझ लो कि उसके ऊपर कन्हैया ने अपनी माया फेर दी हो। हासो जनोन्माद करीच माया, जैसे ही बुआ की ओर देख करके मुस्कुराए, आज बुआ अपनी सुध बुध भूल गई कि मैं क्या मांग रही थी। गोविंद बोले कि बुआ आप कुछ मांग रही थी, मांगिए ना। बुआ कहने लगी गोविंद मैं तो केवल इतना कहना चाहती हूँ, आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं ना, अभी न जाएं, कुछ दिन और रुक जाइए। गोविंद कहने लगे कोई दिक्कत नहीं। आज गोविंद पुनः प्रेमी जनों रुके हैं महल में। कुछ समय व्यतीत हुआ। युधिष्ठिर जी का नित्य का नियम है कि युधिष्ठिर जी नित्य गोविंद को प्रणाम करने के लिए आते हैं। आज जैसे ही प्रणाम करने के लिए आए तो देखा कि कन्हैया नेत्र बंद करके किसी का ध्यान कर रहे हैं। युधिष्ठिर जी बोले कि गोविंद ये सारी दुनिया आपका ध्यान करती है, फिर आप किसका ध्यान करते हैं? गोविंद कहते हैं कि हे युधिष्ठिर जी, मेरे जो भक्त मेरा ध्यान करते हैं, मैं भी समय समय पर अपने उन भक्तों को ध्यान करता हूं। युधिष्ठिर जी बोले कि आज आपने अपने कौन से भक्त को ध्यान किया? कहते हैं कि आज मैंने अपने परम लाडले भक्त पितामह भीष्म को ध्यान किया, जो 57 दिन से वाणों की सैया पर कुरुक्षेत्र के मैदान में लेटा हुआ है। मैंने उसे वचन दिया था कि जब उनका अंतिम समय आएगा तो मैं दर्शन देने के लिए जरूर आऊंगा। आज वो समय आ चुका है, मैं जाना चाहता हूं, तुम भी मेरे साथ चलो। सब चल दिए। पांचों पांडव द्रौपदी गोविंद के साथ आज पितामह भीष्म के पास पहुंचे। गोविंद पितामह के सिरहाने खड़े हैं। पांडवों ने जाकर के प्रणाम किया। आज पितामह भीष्म ने एक एक करके सबको बड़ा सुंदर उपदेश दिया है, राज धर्मान दान धर्मान। युधिष्ठिर जी को राज धर्म का उपदेश दिया, भीम को दान धर्म का उपदेश दिया, नकुल सहदेव को ज्ञान धर्म का उपदेश दिया, द्रौपदी को उपदेश दिया है स्त्री धर्म का, सबको उपदेश किया, लेकिन अर्जुन को कोई उपदेश नहीं किया। जैसे ही अर्जुन आए, अर्जुन को देख करके पितामह भीष्म कहने लगे, अरे अर्जुन अकेले आए हो या फिर तुम्हारा ड्राइवर भी साथ आया है? जानते हैं पितामह कि इसको क्या उपदेश करूं, युद्ध से पूरी गीता उपदेश सुन चुका है। कहने लगे अकेले आए हो या तुम्हारा सारथी भी आया है? अर्जुन कहने लगे कि बाबा आप जानते हैं कि उनके बिना तो मैं चल भी नहीं सकता। कहां है? सिरहाने खड़े हैं। पितामह भीष्म बोले बारे कन्हैया अंतिम समय पर आए हो फिर भी पर्दा कर रहे हो, सामने आ जाओ अब तो। हे गोविंद मुझे आज भी याद है कि जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो रहा था तो आपने ये प्रतिज्ञा करी थी कि मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ये बात जब पितामह भीष्म को पता चला तो भीष्म ने भी प्रतिज्ञा कर ली कि आज जो हरे हैं शस्त्र न गहाऊं तो लाजो गंगा जननी की मैं सांत्वन सुतन कहूं। अगर मैंने भी गोविंद से शस्त्र नहीं उठवाया तो मैं गंगा पुत्र नहीं कहलाऊंगा, मैं सांत्वन सुत नहीं कहलाऊंगा। अब तो पितामह भीष्म जैसे ही कुरुक्षेत्र के मैदान में आए,
जिधर पितामह का रथ मुड़ जाता, ऐसी बाणों की बौछार करते पितामह, ऐसी बौछार करते कि सेना भयभीत हो जाती, रण छोड़ करके भागने लग जाती। जैसे ही अर्जुन के समक्ष आए, अर्जुन के ऊपर आज पितामह ने बाणों की बौछार करी है। अब अर्जुन जब तक तरकस से बाण निकाल पाते तब तक तो पितामह भीष्म प्रहार कर देते। अर्जुन का धनुष हाथ से छूटने लगा, कवच नीचे गिरने लगा, मुकुट नीचे गिर गया। आज पितामह ने 10-5 बाण घोड़ों को लग गए, आज 2-5 बाण गोविंद के चरणों में छोड़ दिए। अर्जुन भयभीत हो गए, चिल्लाने लगे, अरे कन्हैया भाग चलो, पितामह के सामने खड़े होने की मेरी सामर्थ्य ना है। गोविंद ने जब ये दृश्य देखा तो गोविंद को क्रोध आ गया, तुरंत रथ से नीचे कूद पड़े, रथ का टूटा हुआ पहिया लेकर के मारने के लिए दौड़े हैं, जैसे ही प्रहार करने के लिए पितामह की ओर। आज पृथ्वी कांपने लगी, गोविंद अपनी प्रभु अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देवे तो पृथ्वी कांपती है, कांपने लगी। तब गोविंद का उत्तरी वस्त्र जमीन पर गिर गया, गोविंद उसे उठाने के लिए झुके, पृथ्वी को समझाया कि देवी मैंने अपने भक्त के वचन की रक्षा करने के लिए अपने वचन को तोड़ दिया। पितामह भीष्म कहते हैं कि जिस समय रथ का टूटा हुआ पहिया लेकर के आप मेरी ओर दौड़ रहे थे, वो दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई पराक्रमी सिंह किसी मतवाले हाथी पर आक्रमण करने वाला हो। मैं चाहता हूं कि वो छवि आज भी मेरे हृदय में आकर के विराजमान हो जाए। हे गोपाल, आप यही सोच रहे हैं ना कि अगर मैं सामने आया तो दुनिया वाले क्या कहेंगे कि अंतिम समय में पितामह ने गोविंद की ओर पैर किए। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं कि संसार क्या कहता है, मेरी तो केवल यही कामना है कि जब मेरे प्राण निकलें आप मेरे नेत्रों के सामने खड़े। आज जैसे ही गोविंद पितामह के समक्ष आकर के खड़े हुए, पितामह भीष्म ने एक टक नजर से टकटकी लगाकर गोविंद को देखा और आज अपने 5 भौतिक शरीर को त्याग दिया। पांडव रोने लगे, गोविंद ने समझाया कि ऐसे महापुरुष के लिए कभी रोना नहीं चाहिए। उनका अंतिम संस्कार इत्यादि करके लौट आए। इधर गोविंद कहते हैं कि युधिष्ठिर जी अब तो बहुत दिन हो गए, अब मैं जाना चाहता हूं। युधिष्ठिर जी कहने लगे, ठीक है गोविंद, द्वारका वासियों को भी कष्ट ना हो गए। इतना कहकर के जो ही आज विदा किया है गोविंद, गोविंद द्वारका आए, द्वारका वासियों ने बड़ा सम्मान किया। गोविंद कहते हैं द्वारका वासियों से कि मेरे जाने की वजह से और तुम्हें कोई समस्या तो नहीं हुई, कोई परेशानी तो नहीं हुई? आज द्वारका वासी बोले कि गोविंद और तो कोई समस्या नहीं, केवल आप नहीं थे तो आपकी याद में समय निकलना ही मुश्किल था, अब आप आ गए, अब कोई समस्या नहीं। आज गोविंद रह रहे हैं द्वारका में, ध्यान देना। गोविंद जब द्वारका छोड़ करके गए हैं, वृंदावन छोड़ करके गए मथुरा, तो वृंदावन वासियों का जीवन नीरस हो गया। द्वारका छोड़ करके गए हैं पांडवों के पास में, तो द्वारका वासियों का जीवन नीरस हो गया। कहने का मतलब है कि जिसके जीवन से परमात्मा चले जाए या जो परमात्मा को छोड़ देता है उसका जीवन से प्रेमीजनों आनंद समाप्त हो जाता है, क्योंकि आनंद तो स्वयं परमात्मा का ही रूप है। यदि जीवन में आनंद चाहिए तो गोविंद की शरण तो लेनी पड़ेगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। और देखिए गोविंद की जब भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं ना, अच्छा हमने देखा है बहुत से लोग जब मंदिर जाते हैं, ठाकुर जी के सामने जाते हैं तो हाथ जोड़ करके नेत्र बंद करके ऐसे खड़े है जावेंगे जैसे कितना ध्यान कर रहे हो भगवान। अच्छा पहले तो हम यही सोचते थे कि ये नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान करते हैं, लेकिन बाद में समझ आया कि ये ध्यान ना करें, ये तो नेत्र बंद करके ये सोचते हैं कि कछु भूल तो ना रहे मांग वे थे। नेत्र बंद करके लिस्ट बनाते हैं, ये भी दे दे, वो भी दे दे, वो भी दे दे। अच्छा आप किसी के लिए कुछ करें और बदले में कुछ मांग लें,
तो जिसके लिए आपने किया और मांग लिया तो बराबर है। अगर आप मांगेंगे नहीं तो वो कितना भी दे दे फिर भी उसको ये लगेगा कि नहीं नहीं इसको और इसके लिए कुछ करना चाहिए। ठाकुर जी की आप भक्ति करें तो ठाकुर जी तो चाहते हैं कि कुछ मांगे मैं दे दूं पीछा छूटे, लेकिन जब देखते हैं कि भक्त कुछ मांग ही नहीं रहा तो ठाकुर जी स्वयं उसके हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भगवान से यदि कुछ मांगना है तो सांसारिक वस्तुओं को मत मांगिए, गोविंद से यदि कुछ मांगना है तो स्वयं ठाकुर जी को ही मांग लीजिए कि गोपाल अब तो तू ही मेरा हो जा। कहते हैं कि हमको ही मांगने का सलीका नहीं आता, हमको ही मांगने का सलीका नहीं आता, वरना तेरे दर से कोई खाली नहीं जाता। प्रेम से बोलो राधे। आज गोविंद अर्जुन को साथ लेकर के द्वारका आए हैं। इधर जिस बालक की गर्भ में रक्षा करी थी, इस बालक ने जन्म ले लिया। ब्राह्मणों ने कुंडली के माध्यम से इसका विवेचन किया है, कहा कि ये जो बालक है इसका नाम रखा है परीक्षित, परितः इच्छतीति परीक्षित। ये जन्म लेते ही पालती मार कर बैठ गए, चारों ओर परीक्षण करने लगे कि मुझे सब नए नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं, जो गर्भ में मेरी रक्षा करने आया था वो दिखाई नहीं दे रहा। चारों ओर परीक्षण करते हैं तो इनका नाम रखा है परीक्षित। ब्राह्मणों ने कुंडली के माध्यम से बड़ा सुंदर विवेचन किया है कि ये बालक राजा इक्ष्वाकु के समान प्रजापालक होगा, राम के समान सत्यवादी ब्राह्मण भक्त होगा, शिवी के समान शरणागत वत्सल होगा, कर्ण के समान दानी होगा, धनुर के भरत के समान धनुर्धारी होगा, अग्नि के समान तेजस्वी, समुद्र के समान गंभीर होगा, ये पृथ्वी के समान सहनशील होगा, हिमालय के समान अड़िग होगा और सिंह के समान पराक्रमी होगा, अंत में एक ऋषि का अपमान कर देगा, उस ऋषि कुमार के श्राप के कारण तक्षक नामक सर्प के डसे जाने से इसकी मृत्यु होगी। अपनी मृत्यु का समाचार सुनकर यह विचलित नहीं होगा, सुखदेव जैसे परम हंस के मुख से श्रीमद् भागवत रूपी अमृत को पान करके अपनी मुक्ति प्राप्त करेगा। अब इधर गोविंद आए, इस बालक को आशीर्वाद देकर के चले गए। अच्छा कन्हैया अपने पुत्रों को समय समय पर समझाते रहते थे कि बेटा अपने जीवन में कभी भी संत और ब्राह्मणों का अपमान मत करना, नहीं तो मैं भगवान होकर के भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इनके पुत्रों की समझ में शायद ये बात न आई, इन्होंने संतों का उपहास किया, संतों ने श्राप दे दिया और संतों के श्राप के कारण पूरा यदुवंश आपस में लड़कर के नष्ट हो गया। बलराम जी शेषनाग बनकर के क्षीर सागर में चले गए और गोविंद आज अपनी लीला समाप्त करके अपने धाम को चले गए। अर्जुन के सामने देखते देखते सब कुछ प्रेमी जनों पूरी अयोध्या विनष्ट हो गई। अर्जुन देखते रह गए। कृष्ण पत्नियों को साथ लेकर के आए हैं। जब साथ लेकर के आ रहे थे तो जंगल में कुछ कोल भील मिले और इन कोल भीलों ने आज अर्जुन से कृष्ण पत्नियों को छीन करके ले गए, अर्जुन को हरा दिया। यानी ये कोल भील कोई और नहीं, स्वयं गोविंद ही भील बन करके आए और अर्जुन को बता दिया कि अर्जुन मेरे बिना तेरा ये गांडीव भी किसी काम का नहीं है। जीवन में जब प्रेमीजनों समय अच्छा होता है तो अच्छे समय में आपकी छोटी सी वस्तु, छोटी सी व्यवस्था आपके जीवन में बड़ा सहारा दे देती है, लेकिन जब जीवन में समय खराब आता है तो बड़े से बड़ा हथियार भी काम नहीं करता। कि समय समय की बात है, समय बड़ो बलवान और भील ने लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। समय जीवन में प्रेमीजन जब बदलता है तो कोई शक्ति काम नहीं करती, और समय प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बदलता है, कभी एक जैसा नहीं रहता। इसलिए कभी अपने अच्छे समय में अभिमान न करें, दूसरे के बुरे समय में उसका उपहास न उड़ाएं। कि समय समय की बात है और समय समय के रंग, समय पे बेटी बाप की और समय पिया के संग। और समय कैसे बदलता है,
कि एक दिना रावण ने दसौ दिशा जीत ली, एक दिना दसौ शीश कटे पड़े हैं रण में। एक दिन रावण के जीवन में वो था कि दसों दिशाओं का विजेता है, काल पाटी से बना है, ग्रह की आज्ञा का अनुसरण करते हैं, 1,00,000 पुत्र सवाल गनाते, इतने बड़े परिवार का वर्णन है। और एक दिन इसके जीवन में वो आया कि इसके दसों शीश जब रणभूमि में कटे पड़े हैं तो इसके सिरों को उठाने वाला नहीं था। एक दिना रावण ने दसौ दिशा जीत ली, एक दिना दसौ शीश कटे पड़े हैं रण में। और एक दिना कन्हैया रण छोड़ करके भाग गए, एक दिना कंस को पछाड़ दियो छन में। एक दिना अर्जुन ने महाभारत जीत लियो, और एक दिना गोपिका लूट लई भीलन ने। एक दिन अर्जुन के जीवन में प्रेमी जन वो आया कि पूरे महाभारत को गांडीव के बल पर जीता है, और एक दिन ये है कि एक दिना कोल भील कृष्ण पत्नियों को लेकर के चले गए। अरे मानव तेरी तो बात है क्या, सूरज के तीन गति होते हैं एक दिन। हम और आप किस बात का अभिमान करें प्रेमी जनों, सूरज की भी एक दिन में तीन गति होती है। सवेरे उगेगा तो बढ़िया चमकेगा, बाल्यावस्था में होगा, दोपहर में आप उससे नजरें नहीं मिला सकते, इतना चमकीला है, ताप को सह नहीं कर सकते, और रात्रि का समय आते आते किधर डूब जाता है पता भी नहीं चलता। जब सूरज की एक दिन में तीन गति होती है तो हम और आप तो होते कौन है, समय बदलता रहता है। आज अर्जुन जब लौट करके आए, युधिष्ठिर जी ने अर्जुन को देखा कि अर्जुन का चेहरा एकदम निस्तेज है। पूछा कि अर्जुन तुम्हारे शरीर का तेज कैसे नष्ट हो गया, क्योंकि शरीर का तेज नष्ट होने के तीन कारण हैं। पहला कारण है कि अगम्य स्त्री के साथ में यदि कोई समागम करे तो शरीर का तेज नष्ट हो जाएगा। दूसरा कारण यदि गाय की हत्या गलती से भी हो जाए तो शरीर का तेज नष्ट हो जाएगा। तीसरा कारण है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बिना हमने जीवन में रहना न सीखा हो वो हमें हमेशा के लिए छोड़ करके चला जाए तो उसके वियोग में तेज नष्ट हो जाता है। तुमसे ऐसी कौन सी भूल हुई? अर्जुन कहते हैं कि भैया जिन गोविंद के बिना हमने जीवन में एक पल भी रहना नहीं सीखा वो हमें हमेशा के लिए छोड़ करके चले गए, कृष्ण चले गए। जब ये बात कुंती ने सुनी तो एक मिनट में कृष्ण कृष्ण कहकर के अपने प्राण त्याग दिए। पांडव सोचने लगे कि जब गोविंद ही नहीं तो हम रहकर क्या करेंगे। आज पांडव भी प्रेमी जनों परीक्षित को राज्याभिषेक करके जंगल में चले गए। परीक्षित ने कहा कि मैं छोटा हूँ, राज्य कैसे संभालूंगा। तो युधिष्ठिर जी बोले जीवन में तीन बातें याद रखना, एक तो आंखों के आगे कभी पाप होते हुए मत देखना, दूसरा अतिथि का सदैव सत्कार करना, और तीसरी बात यह है कि शरणागत को हमेशा क्षमा कर देना, शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसे क्षमा कर देना। आज द्रौपदी ने बीच मार्ग में प्राण त्याग दिए, चारों भाइयों ने बीच मार्ग में प्राण त्याग दिए, शरीर केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग पहुंचे हैं, हालांकि उन्हें भी एक क्षण के लिए नरक के दर्शन करने पड़े। इधर परीक्षित ने उत्तर की पुत्री रावती से विवाह करके जन्मेजय आदि चार पुत्रों को जन्म दिया। पुत्र बड़े हुए तो राज्य का भार पुत्रों के कंधे पर डाला और खुद जो है संतों की सेवा करने के लिए चले जाते वेश बदल बदल करके। आज एक बार की बात है, ये जंगल में गए, इन्होंने एक दृश्य देखा कि एक बैल खड़ा है जिसके तीन पैर कटे हुए हैं, गाय खड़ी है, रो रही है। आज इन्होंने उस बैल, ये बैल कोई और नहीं, धर्म ही बैल है, पृथ्वी ही गाय है। जब जब पृथ्वी पर धर्म कर्म बढ़ता है तब तब पृथ्वी बड़ी प्रसन्न होती है, और जब जब ये धर्म कर्म नष्ट होता जाता है पृथ्वी प्रेमी जनों बड़ी कुपित होती है, अपने अस्तित्व को भी छुपा लेती है, बंजर होती चली जाती है। आज परीक्षित ने पूछा कि तुम्हारे तीन पैरों को किसने काटा, तो कहने लगा कि किसका नाम लूं। कर्मकांडी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, मेरे ही कुछ कर्म रहे होंगे, कर्म के आधार पर मुझे दंड मिला है, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। अब
परीक्षित जैसे ही वहां से चले, इन्होंने देखा कि वहां पर एक भयंकर काला काला लंबा चौड़ा पुरुष आया, जिसके हाथ में नग्न तलवार, लंबे दांत, लंबे नाखून, लंबे बाल, उस बैल के चौथे पैर को काटने के लिए तैयार हो गया। ये काला लंबा पुरुष कोई और नहीं है, कलयुग है, क्योंकि कलयुग नहीं चाहता धर्म का एक भी पैर सुरक्षित रहे। कलयुग चाहता है कि धर्म नष्ट हो जाए। अब तो राजा ने जब ये देखा तो उसे मारने के लिए दौड़े। कलयुग ने दौड़ लगा दी, राजा के चरणों में गिर गए। राजा का नियम है, शरण में शत्रु भी आ जाए तो क्षमा कर देना, क्षमा कर दिया। चले जाओ मेरे राज्य से, मेरे राज्य में रहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। बोले के जाऊं कहां, चार ओर आपका राज्य है, कुछ स्थान दे दीजिए। तो राजा परीक्षित ने चार स्थान दिए, द्यूतम, पानम, त्रियासुना, यत्रा धर्मस चतुर्विध। द्यूतम, जाओ जुए में तुम्हारा वास हो, छल कपट के रूप में जुए में कलयुग का वास। पानम, मदरा पान, इसमें मद के रूप में कलयुग का वास। द्यूतम पानम त्रियासुना, पर स्त्री गमन, इस कुत्सित कर्म में काम के रूप में कलयुग का वास है, और किसी भी जीव की हिंसा करना, इसमें कलयुग का वास है। कलयुग सोचने लगा, इन चारों कामों में से कोई भी काम राजा नहीं करते हो, जब तक मेरा असर राजा पे नहीं हो तब तक राज्य में रहने का मतलब क्या है। कहने लगे कोई एक सुंदर स्थान दे दीजिए। राजा के मन में न जाने क्या आया, कह दिया जाओ सोने में तुम्हारा वास होगा। राजा भी सोने का मुकुट पहने, सोने, यहाँ पूछा गया है कि सोने में तो भगवान का वास बताया है, धातु नाम अस्मि कांचनम गीता में कहते हैं, फिर इसमें कलयुग का वास कैसे, दोनों एक साथ रह नहीं सकते। तो बताया कि जो पाप की कमाई का धन है या सोना है, उसमें तो कलयुग का वास है, और जो धर्म की कमाई का सोना है उसमें भगवान का वास है। कहने लगे तो राजा परीक्षित ने जो मुकुट, जिस मुकुट में ये प्रवेश किया, वो मुकुट भी सोने का था, वो पाप की कमाई का था, यहाँ वो जरासंध का मुकुट था। जरासंध को मारकर जब भीमसेन लौटे तो उस मुकुट को ले लिया। जैसे ही सोने में वास दिया है तो ये राजा के मुकुट में प्रवेश कर गया। राजा की बुद्धि में कुबुद्धि आ गई, अब तो भूख प्यास लगने लगी। जंगल में गए, सुदूर नामक जंगल में श्रृंगी ऋषि बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। आज समीक ऋषि तपस्या कर रहे थे तो उनसे जलपान की याचना करी। समीक ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया, उनकी वृत्तियां अंतर्मुखी थी। राजा को क्रोध आया कि एक राजा को देख करके और तू ढोंग करता है। कलयुग तो बैठा था बुद्धि पर, तलवार की नोक से मरे हुए सर्प को उठाया और आज ऋषि के गले में डाल दिया, चले आ। ऋषि के पुत्र ने जब ये देखा तो इसको क्रोध आया, श्रृंगी को श्राप दे दिया कि तुझे अपने चक्रवर्ती होने का सम्राट है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, जिस सर्प को तुमने मेरे पिता के गले में डाला है, इसके पूर्वज तक्षक सर्प के डसे जाने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। ये सूचना जब राजा को मिली है, आज राजा ने ये सूचना को पाकर के अपने पुत्र जन्मेजय को राज्याभिषिक्त किया है। राजपाट त्याग करके गंगा किनारे पर चले आए। जब ये गंगा किनारे पर आए हैं, सभी ऋषि मुनि बैठे हैं। ऋषि मुनियों से पूछा कि मेरा उद्धार कैसे होगा, मुझे श्राप लगा है। कहने लगे कि किसी भी ऋषि ने प्रेमीजनों कोई सटीक जवाब नहीं दिया। तब आज सुखदेव जी महाराज आए हैं। सुखदेव जी को देख करके राजा ने इनका बड़ा सुंदर स्वागत किया है, पूजन किया है, हाथ जोड़ करके सुखदेव जी के समक्ष बैठे हैं और सुखदेव जी से एक ही प्रश्न किया कि गुरुदेव, म्रियमाण व्यक्ति को अपनी मुक्ति का क्या उपाय करना चाहिए? जो सात दिन में मरने वाला हो उसे अपनी मुक्ति का क्या उपाय करना चाहिए? बोले सुखदेव भगवान की जय। बाके बिहारी तेरी आरती गा, हे गिरधर तेरी आरती गा, बाके बिहारी तेरी आरती गा, हे गिरधर तेरी आरती गा। मोर मुकुट तेरे सीस पे सो है, प्यारी बंसी मेरो मन वो है, मोर मुकुट तेरे सीस पे सो है, प्यारी बंसी मेरो मन वो है, देख छवि बलिहारी बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, ये पावन करती दुनिया
पावन करेगी दुनिया का उन चरणों में शीश नवाऊं मांगे बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं प्यास दास के नाथ आप हो प्यास दास के नाथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो उन चरणों में शीश झुकाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं संग सोहे ब्रजभान दुलारी संग सोहे ब्रजभान दुलारी ये ललिता बेसाखा सखियां प्यारी ललिता बेसाखा सखियां प्यारी युगल छवि को मैं मन में बताऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे वो हन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो वास सदा वृंदावन पाऊं तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं कर्पूर गौरव करुणा बतारम संसार सारम भुजके त्रिहारम सदा वसंतम हृदयार विंदे भवं भवानी सहितम नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रवणौ त्वमेव त्वमेव सर्वम् त्वमेव सर्वं मम देव हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा